वो एग्जामिनेशन जो होगा स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट का जॉब होता है उसके लिए है, पर गवर्नमेंट जॉब में भी ग्रुप ए के जॉब के लिए है ना, वी आर हियर, इस टॉप रैंक के जॉब के लिए वी आर हियर, इजंट इट। टॉप रैंक जो गवर्नमेंट में होता है उसका जो डायरेक्ट एंट्री होता है दैट विल बी थ्रू दिस एग्जामिनेशन। सो इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उसमें टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, यू शुड बी स्मार्ट इनफ, आपको स्मार्ट होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग, यू शुड बी हैविंग दैट मच करेज टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। मतलब आपके पास इतना साहस होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपके कर्तव्य है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको आप अपने शोल्डर पे लेके चल सको। इसी चीज के लिए आपको, है ना, एकदम सिंपल चीज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा आपके ऊपर एक्सपेंडिचर क्यों करती है? तो इसके लिए सिंपल रीजन है, बिकॉज यू आर कैपेबल इनफ, आप उतना कैपेबल हो और आपका कैपेबिलिटी वो लोग इस एग्जाम से जज करते हैं। क्या है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करने का दो तरीका होता है। एक तो क्या है कि हमने रिजल्ट्स दिखा दिया है, तो पहला चीज कि हम प्रूवन फैक्टर है कि यस मैं कहीं किसी बड़े पोस्ट में ऑलरेडी हूँ, या तो मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, आईआईटी आईएम से मैंने पढ़ा है। तो ये सब चीजें मेरे जो जो मेरी जो पर्सनालिटी है उसके साथ एक लेबल डाल देते हैं कि यस कि दैट पर्सन इज हैविंग दैट मच नॉलेज, है ना। तो ये जो हमारे पास जो लेबल होता है ना, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करता है। जैसे कुछ लोगों का डॉक्टर का लेबल होता है, कुछ लोगों का इंजीनियर का लेबल होता है, एक लेबलिंग जो होता है ना आपके लाइफ को इजी बना देता है, अदरवाइज लाइफ निकल जाते हैं एक दूसरे को परखने में, इजंट इट। ऐसा होता है कि हम लोग सामने वाले को का रियल कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हमको टाइम लगता है, वी फील सस्पिशियस इनिशियली, हमको लगता है कि दैट पर्सन कैसा होगा करके, बट जब लेबल लग जाता है कि वो आईआईटी आईएम से है, या तो वो लेबल लग जाता है कि दैट पर्सन इज आईएएस आईपीएस या डीएसपी है, तो क्या होता है कि आपका कहीं पे भी जो एक इमेज है वो ऑलरेडी एक हायर लेवल पे सेट हो जाता है ना, ये एक होता है। और जैसे हम जब भी किसी हायर पोस्ट के लिए या हायर एम्बिशन के लिए टारगेट करते हैं, तो वन थिंग इज श्योर कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। वन थिंग इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट होता है वो है यू मे बी डिफिटेड बट यू शुड नॉट बी लॉस्ट। मतलब आपको जब भी हारते हो तो फिर से खड़े हो जाना है। देखो, डिफीट होना और लॉस्ट होने में डिफरेंस है ना, पराजित होना और हारने में डिफरेंस है। किसी बैटल में हम लोग फॉर टेम्परली हम लोग लॉस कर सकते हैं, बोल सकते हैं डिफिटेड हो सकते हैं, बट अगर मैं फिर से उसको फिर से चैलेंज देता हूँ तो आई एम नॉट डिफिटेड, है ना, मैं लॉस्ट नहीं हुआ हूँ, मैं अगेन राइज अप होऊंगा और मैं फिर से उस एग्जामिनेशन में या उस पर्सन के साथ मैं फिर से चैलेंज दे सकता हूँ। मतलब क्या है, डिफीट होना आपका एक इवेंट का है, मतलब आप डिफिटेड होते हो तो वो एक इवेंट है, और जब लॉस्ट होते हो तो वो मेंटल आपका मॉरल डाउन होना है, मॉरल से रिलेटेड है वो, आपके इमोशन से रिलेटेड है। तो लॉस्ट नहीं होना, डिफिटेड हो सकते हो, और ट्रस्ट मी वन थिंग इज श्योर कि सक्सेस एंड फेलियर का दोनों का रोड एक ही है, रास्ता एक ही है, द रोड इज सेम फॉर सक्सेस एंड फेलियर बोथ। द थिंग इज दैट कि जो फेल्ड पर्सन होता है वो थोड़ा जल्दी रुक जाता है, और जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो आगे का कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालता है, सो दैट पर्सन शुड बी सक्सेसफुल। जैसे जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं प्रीलिम्स का मेंस का, तो उनका जो रिजल्ट आता है ना, तो किसी का आता है जस्ट कट ऑफ क्रॉस किया, किसी का होता है जस्ट कट ऑफ से एक नंबर पीछे रह गया, कुछ लोगों का होता है 20 मार्क्स पीछे रह गया, तीन टाइप के लोग होते हैं। तो वो जो क्रॉस कर गए तो उनका तो कोई इश्यू नहीं है, बट सेकंड जो इश्यू होता है, सेकंड जो लोग होते हैं जो लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं बट वो लोग एक दो नंबर से पीछे छूट जा रहे हैं, है ना, एक दो नंबर से पीछे छूट जा रहे हैं, तो वो जो एक दो नंबर होता है ना उसके लिए उनको उसी रास्ते में एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, थोड़ा सा और आगे चलना है। 21 किलोमीटर का मैराथन था, 21 किलोमीटर का मैराथन था, 20 किलोमीटर तक चले हो, 1 किलोमीटर इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड। और जो 20 मार्क्स जिसने 20 मार्क्स पीछे रह गया उसके लिए क्या है कि अभी हाफ मैराथन हुआ है, फुल मैराथन हुआ नहीं है, मतलब अभी हाफ ऑफ द डिस्टेंस तक पहुंचे हो, बट दे ऑल आर इन द सेम पाथ, बिकॉज फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस।
ठीक है ना, तो वी डोंट हैव नथिंग टू लूज, मतलब जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, हमारा एक मेंटल लेवल आगे बढ़ जाता है जो कि आगे के एग्जामिनेशन के लिए या एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए दोनों के लिए हेल्प करता है। तो जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम विन करें, तो जब आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो यू आर ऑलरेडी वॉन, आप ऑलरेडी जीत चुके हो बिकॉज आप एक लेवल का रीच कर चुके हो। अब उसके बाद आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कितना ऊपर तक जाते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल, isn't it? So in the life, efforts doesn't, the promises doesn't matter, isn't it? कसम जो होता है ना वो मैटर नहीं करते, वो जो कसमों के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, the promises के लिए जो effort डाला रहता है, that matters. So in real life, efforts matter rather than promises. तो इसलिए क्या है, we should be consistent, I should be consistent, and second thing, hard work is with me. मैं luck को नहीं देखूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, लक को देखना ही नहीं है, ना भाग्य को देखना है, ना भगवान को देखना है, है ना? Only thing which will help you is your karma, isn't it? Your karma will help you, your hard work will help you, no one else will come for you. जो भी पर्सन होता है वो अपना वो सोचता है कि दैट पर्सन, उसने उस समय मेरा हेल्प नहीं किया था, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे यार, आप एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो यार? जो चीजों के लिए आप हेल्प चाहते हो वो चीजों के लिए कैपेबल बन जाओ, isn't it? जिस चीज के लिए आप हेल्प चाहते हो उस चीज के लिए कैपेबल बन जाओ, देन आपसे लोग उसी चीज के लिए मांगने आएंगे या बात करने के लिए आएंगे या सजेशन लेने आएंगे। आई शुड बी ऑलवेज इन द गिविंग एंड, बट देने के रास्ते में रहना चाहिए रादर देन रिसीविंग के रास्ते में होना चाहिए, चाहे वो मनी हो या अदर चीजें हो। हाँ, बट ज्ञान जो है वो रिसीविंग एंड में होना चाहिए, है ना, क्योंकि देने वाले बहुत होते हैं उस चीज को। सो द नॉलेज जो होता है वो हमेशा से रिसीविंग एंड में होना चाहिए, बाकी सारा चीज आपका, जैसे किसी के लिए एम्पैथी सिंपैथी देना है, वो दैट्स ऑलवेज फॉर गिविंग एंड में। तो आप डोनर होते हो तो इट्स सैटिस्फाइज यू मोर, है ना, जब भी आप डोनेट करते हो आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करता है रादर देन जब बोरो करते हो तो, है ना। और हम चाहते हैं कि लाइफ में कभी किसी को बोरो ना करना पड़े, किसी भी चीज को बोरो ना करना पड़े, isn't it? यही चाहते हैं। और इसलिए क्या है कि पहले लेवल का बोरिंग जो मुझे बचाना है, वो पहले लेवल का ये है कि मुझे मॉनेटरी टर्म पे, है ना, मॉनेटरी टर्म पे मुझे स्ट्रांग होना है। अगर मैं उस हिसाब से स्ट्रांग हो गया तो रियली आगे का रास्ता मेरे लिए ओपन है, isn't it? तो मॉनेटरी टर्म पे पहले मैं स्ट्रांग हो गया, सेकंड लेवल पे मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है, अपने इमेज पे काम करना है। ये दो चीजें होती है, isn't it? Life में हम लोग जो मैस्लो का नीड, कभी आप सुने होंगे, ट्रायंगल होता है मैस्लो का, किसी ने सुना है मैस्लो का ट्रायंगल नीड वाला? एनीवन? अच्छा, इंटरेक्ट करो यार एकांश। हाँ, देखो जिसको भी कुछ बोलना होगा अनम्यूट करना और अनम्यूट करके मुझे बोलना, ओके? और इंटरेक्ट करोगे तो मजा भी आएगा। हाँ शमशाद, ओके फाइन, चलो। तो कंसिस्टेंसी होती क्या है, जैसे क्या है, मैंने एक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए थॉट लिया। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, कि स्वामी विवेकानंद जी ये बोलते थे कि वन शुड बी टेकिंग अ थॉट फर्स्ट, मतलब किसी भी एक विचार को लेके चलो, एक थॉट को लेके चलो। तो पहले एक थॉट लेके चलो, जब वो थॉट को आप कंफर्म, यस, जो बोल रहे हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं और पहले हैंड रेस कर लीजिएगा। हाँ विशाल, हेलो सर। हाँ विशाल, आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कैमरा के सामने आके बोल रहे हैं। कैमरा तो मुझे सबको दिखाई दे रहा होगा ना, मेरा फेस दिखाई दे रहा है सबको? नहीं यार, नहीं नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है बट वो टैप नहीं कर रहा है। विशाल, हाँ विशाल, आप क्या करो, आप स्क्रीन चेंज करो, है ना, आपको ना बहुत सारे स्क्रीन दिखेंगे। आप क्या है, मोबाइल पे अगर ऑन किए हो तो आपको क्या करना होगा, आपको स्वाइप करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना उसको पॉइंट कर देना है, मतलब जैसे वहां पे पिन करना है तो पिन कर लीजिए, ठीक है?
ओके सर। ओके ठीक है। तो हाँ, तो क्या है, एक थॉट लो, मतलब एक थॉट, एक विचार कि आई शुड बी अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ये मेरा एक थॉट है। उसके लिए उस थॉट को कंसोलिडेट करो कि व्हाई आई शुड बी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आई व्हाई आई शुड बी आईएएस आईपीएस, या मुझे डीएसपी क्यों बनना है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों बनना है। उसके लिए थॉट को कंसोलिडेट करो। थर्ड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो कि किस तरीके से मैं बन सकता हूं और मुझे क्यों चाहिए, मेरे लाइफ के लिए क्यों चाहिए। फोर्थ, जब मैं सॉलिडिफाई कर डाला कि यस आई विल हैव टू बी एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, जब मैंने थॉट ले लिया, तब उसके लिए वर्क करना चालू करो, हार्ड वर्क करना चालू करो। और उसके बाद डोंट लीव दैट थिंग अंटिल यू डाई, मतलब उस थॉट के लिए आप पूरा अपना एफर्ट दे डालो। तो स्टार्ट होना है पहले एक थॉट लेना कि आई विल बी नॉट ऑन दैट स्टेज वेयर आई हैड स्टार्टेड, एटलीस्ट मैं उस जगह पे नहीं रहूंगा जिस जगह पे मैं स्टार्ट किया था। सेकंड, मुझे कौन से जगह पे पहुंचना है, जिस जगह पे मैंने थॉट लिया है कि आई विल बी एन एसपी और डीएसपी या आईएएस जो बोलते हैं, या डीसी, मैं वो बनूंगा। थर्ड लेवल पे अब मैं कैसे पहुंचूं वहां पे, तो वो उस पहुंचने के लिए मेरे पास पाथवे क्या है। और इसी रास्ते के लिए हम लोग होते हैं, मतलब हम लोग आपको गाइड करने के लिए होते हैं कि इस रास्ते से पहुंचोगे तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट वे, है ना। दीज आर द थिंग्स विच यू डोंट हैव टू डू और दीज आर द थिंग्स विच यू विल हैव टू डू। तो ये दो चीजों को आपको समझना होगा कि ये चीजें करना है, ये नहीं करना है। अब जब उस रास्ते पे चलते जाओगे, आपका मोटिवेशन आपको हेल्प करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी हेल्प करेगी, एज वेल एज हमारा गाइडेंस आपको हेल्प करेगा। द थिंग इज दैट ये जो हम लोग जिस थॉट पे लेके चल रहे हैं, उसमें फिर पास्ट में जाना नहीं है, बिकॉज पास्ट इज देयर फॉर द रेफरेंस, नॉट फॉर द रेसिडेंस। ये जो पास्ट है ना, वो रेफरेंस के लिए है कि पास्ट में जो चीजें हुई हैं मैंने उससे सीखा और मैं उससे आगे बढ़ गया। रेसिडेंस के लिए नहीं है कि तेरे नाम जैसे पड़े रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं अब दोबारा ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा, या वो टीचर ने मेरे को कम मार्क्स दिया, अब मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा, या मैं जब भी इस एग्जाम की तैयारी करता हूँ मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ तो मैं नहीं करूंगा। ये सब जो बकवास की बातें हैं ना, ये ना पुअर मेंटालिटी शो करती है, ये एक्सक्यूजेस है कि यस मैं कभी कहीं पे फेल हुआ तो मैं आई शुड शो समवन कि यस आई एम कैपेबल इनफ। अगर मैं इसके बाद भी फेल होता हूं तो मेरे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एग्जाम मेरे को जज करने के लिए नहीं बनाया, आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी। और ट्रस्ट मी, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी, फॉर दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल ओनली, मतलब उस एग्जाम के हिसाब से आप कैपेबल नहीं हो, बट इट डजेंट मीन आप कैपेबल नहीं हो, है ना। आप जस्ट अपने आप, अपना जो स्ट्रांग है या अपना जो स्ट्रेंथ है उसको मैच कर रहे हो किसके साथ, उस एग्जामिनेशन के डिमांड के साथ। अदरवाइज आपके पास तो बहुत सारी करिज्मेटिक क्वालिटी है जो कि रील्स वगैरह में दिखाते ही रहते हैं। तो एनीवेज, तो मेरा यही था, सिंपल चीज था कि देखो, इवन इफ आई एम सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, इट मींस आई हैव दैट मच कैपेबिलिटी। इवन इफ आई एम फेल्ड, अगर मैं फेल हो जाता हूँ एग्जामिनेशन में, इट मींस कि वो एग्जामिनेशन मेरे टैलेंट को जज करने के लिए नहीं बनाया, मतलब एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर इस एग्जामिनेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं तो इसका दो तरीका है, या तो ये जो टाइगर है उसके उसको फ्रंट से अप्रोच करूं, या तो उसके पीछे पीछे अप्रोच करूं। मुझे टाइगर को कैच करना है तो मैं कैसे करूं, तो दो ही तरीका होता है, या तो आप उसको पीछे पीछे कैच करने के लिए जाओ, या तो उसके लिए जाल बिछाओ, उसके लिए प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ एंड उसको कैच करो, है ना। तो इट मीन्स ये जो एग्जामिनेशन है ये आपके लिए एक एक समझ लो कि एक काइंड ऑफ बैटल है, जिसमें आपको सामने वाले को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रेटेजी एंड प्लान के लिए आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी। स्ट्रेंथ मतलब वही, मुझे राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, मुझे जीके का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, ये सब मेरी कैपेबिलिटी रेज करेगी। और उस कैपेबिलिटी रेज करने के बाद चाहे टाइगर को मैं हंट करूं या लॉयन को हंट करूं, वो हमेशा से मेरे को हेल्प करेगा, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट्स विच विल ऑलवेज हेल्प यू रिगार्डलेस ऑफ इट इज फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। ये सोसाइटी में भी हेल्प करेगा आपको, जैसे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का अगर सक्सेस होना है तो तीन चीजें लगती है। फर्स्ट थिंग इज जीके, दैट नो वन कैन डिनाई,
जीके तो आपको चाहिए ही, सेकंड थिंग इंग्लिश, इंग्लिश के बगैर कहीं नहीं जा सकते, सही बता रहा हूँ, मतलब इंडिया के लिए ऐसा बना के रखा गया है ना। तीसरा चीज है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये तीन चीज को आप इंप्रूव कर लो, ट्रस्ट में 21 ईयर के एज में यू विल बी हैविंग द टॉप लेवल ऑफ जॉब। अगर 21 में क्रॉस कर लिया तो 22 में, या 22 क्रॉस कर लिया तो 23 में, मतलब क्या है, ये तीन चीज का कैपेबिलिटी डेवलप कर लो, वन थिंग इज जीके, सेकंड थिंग इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड थर्ड थिंग इज इंग्लिश। ये हर एग्जामिनेशन में आपको पीछे पड़ा रहेगा, है ना, आपको उस पर काम करना ही है, isn't it? तो ये चीज है। तो अगर मेरे पास माइंड है ना, और मुझे पता है कि ये चीजें मुझे हेल्प करेंगे, ये काइंड ऑफ मेरे लिए पिल है, बिटर पिल है, जिसको मेरे को खा लेने से मेरे लिए आगे के लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो व्हाई आई शुड नॉट बी डूइंग, कौन सा चीज बेटर है कि 21 के एज में से पहले थोड़ा स्ट्रगल करके बेस्ट जॉब ले लेना, कि 21 के बाद लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करना। तो इट मीन्स क्या है, जो स्टडी है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है आपके एक पोस्ट को लाने के लिए। इट डजंट मीन कि इवन ये जो आईएएस आईपीएस बनना वो फाइनल डेस्टिनेशन है, नहीं, वो भी नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन आपका हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस दो चीजों से आती है, एक तो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, isn't it? अगर मैंने ये दो चीज गेन कर लिया कि एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम मेरे पास आ गया, दूसरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने गेन कर लिया, तो ट्रस्ट मी आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, isn't it? तो हम लोग ये सब चीज कर रहे हैं सो दैट मेरा जो इमेज है अपने माइंड में उसको मैं सही कर सकूं। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब अभी तक जो भी आपने फेलियर लर्न किया है उसका कारण निकालो, व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या रीजंस थे जिसके कारण से मैं फेल्ड हुआ था, वो आइडेंटिफाई करो, उस पे इम्प्रूव करो। इट मे हैपन कि आपका हैंडराइटिंग खराब है, इट मे हैपन कि आपका जीके डब्बा है, क्या है, डब्बा, है ना, इट मे हैपन आपका इंग्लिश पुअर है, एनीथिंग कैन हैपन, देयर इज नो इशू, बट वी आर नॉट एनिमल कि वी कैन नॉट लर्न, हम लोग एनिमल नहीं है कि हम सीख नहीं पाए, हाँ जो सीख नहीं पाता वो एनिमल है, isn't it? और हम लोग 60 के बाद वाले भी नहीं है कि सठिया गए हैं कि अब नहीं सीख सकते, है ना, तो हम दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। इट मीन्स मैं इस पोजीशन में हूं कि आई कैन लर्न, इफ आई कैन लर्न आई कैन इम्प्रूव, इफ आई कैन इम्प्रूव देन आई कैन डू एवरीथिंग, isn't it? मुझे बस कल के दिन को आज के दिन से इम्प्रूव करना है, है ना, मुझे कुछ नया चीज जानना है आज के कल के कंपैरिजन में, और वो जो नया चीज है मेरे सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए, isn't it? तो यही चीज है। तो इन द लाइफ ओनली एफर्ट्स मैटर, प्रॉमिसेस डजंट, प्रॉमिसेस मैटर नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग एंड रीचिंग, जाना और पहुंचना में डिफरेंस है। हम सोचते हैं कि हम उधर जा रहे हैं, जाना नहीं है, पहुंचना है, है ना, बिकॉज सिंपली गोइंग एंड वॉन्डरिंग इज नथिंग, है ना, वॉन्डर करना वो ठीक नहीं है, आपको रीच करना है। अब पहुंचने के लिए आपको करेक्ट डेस्टिनेशन, करेक्ट पाथवे, करेक्ट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम और करेक्ट इंटेंसिटी एंड करेक्ट एटीट्यूड चाहिए, है ना, ये सारा चीज चाहिए। हाँ, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस जस्ट, है ना, ये सारा चीज चाहिए तभी हम लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ। माय नेम इज प्रिंस देव, आई एम ग्रुप बी ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मैंने 2009 में पहला अटेम्प्ट दिया था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सक्सेसफुल। 2010 एंड 11 में मैंने प्री एंड मेंस एंड फाइनल इंटरव्यू तक गया था, 10 एंड 11 को, बट पूरा कंप्लीट राउंड सिलेक्टेड नहीं हो पाया। एंड 2013 ऑनवर्ड्स आई एम टीचिंग, तो रफली 10 से 11 ईयर्स के बीच से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में लूंगा। इसके अलावा इफ पॉसिबल आपका जो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी आपको तकलीफ होती है, दैट आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ, है ना, वो पार्ट को मैं देख लूंगा आप लोग का। इट मीन्स आपको बस जाना है, ठीक है ना, वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन द स्कूल, बट खाना तो आपको है, खाना आपको ही है, दैट्स फॉर श्योर। यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आई विल बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, है ना। तो इट मीन्स अगर हम दोनों ऑनेस्ट होते हैं और इन दोनों के बीच में ट्रस्ट होता है तो हम लोग तभी आगे बढ़ पाते हैं। एक डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक पेशेंट जो होता है उसके दवाइयों पे बिलीव करे, उसके मेडिसिन पे बिलीव करे, और उस मेडिसिन को रेगुलरली ले, कंसिस्टेंटली ले, तभी वो सक्सेसफुल होगा, है ना। टीचर के साथ भी यही होता है, टीचर चाहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपरली आप घर में जाकर रिवाइज करो,
रिवाइज करने के बाद बुक से पढ़ो और उसके बाद नोट्स बनाओ, यही चीज उसका फॉलोअप है। अगर आप उसको करते हो यू विल बी सक्सेसफुल। कुछ लोग बोलते हैं ये गारंटी दे रहे, कोई गारंटी वाली बात नहीं है। इफ यू आर डूइंग योर जॉब, आई एम डूइंग माय जॉब, देन वी विल बी सक्सेसफुल। एंड इट इज द टीम नॉट ग्रुप। ग्रुप एंड टीम में डिफरेंस क्या होगा पता है, कोई बता सकता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम? ग्रुप और टीम के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीवन? ज्योति? फील फ्री। देखो यू विल बी आईपीएस आईएएस ऑफिसर, यू विल रोर लाइक अ लायन, है ना, लायन जैसे गर्जोगे। थोड़ा सर, थोड़ा सोचते हैं थोड़ा। यस यस, टेक अ थॉट। ग्रुप एंड टीम के बीच में क्या डिफरेंस है? मुक्ता? हेलो। यस विशाल। हाँ सर, जो ग्रुप होता है वो ग्रुप यानी कि वो जो ग्रुप होता है ना वो बड़ा होता है, उसमें कई लोग आ सकते हैं ग्रुप में। और टीम, टीम यानी कि टीम में उतने ही होते हैं जितने हम टीम बनाना चाहते हैं। और ग्रुप में तो हम ज्यादा से लोग ले सकते हैं, और ग्रुप में ज्यादा से लोग रह सकते हैं, और टीम में जो हम जितना बनाना चाहते हैं उतनी टीम होती है। ओके ठीक है, चलो ग्रुप में ज्यादा लोग हो सकते हैं पर टीम जरूरी नहीं कि उतने लोग हो। ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट। और कुछ किसी का? सर ग्रुप ये है कि सक्सेस पाने के लिए जो है वो टीम है। ओके एंड ग्रुप है नॉर्मली जस्ट जॉइन एनीवन पीपल कैन जॉइन इट, बट टीम वो है जो सक्सेस पाने के लिए कर्त है, वो है टीम। ओके ओके, ये भी एक अच्छा चीज है। यस सर, ग्रुप जैसे कि ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जैसे कि स्कूल या फिर कॉलेज में भी होते हैं, तो वहाँ पर एक लीडर ना भी हो तो सब लोग ग्रुप में एक साथ रहकर काम कर सकते हैं, लेकिन एक टीम में एक लीडर का होना बहुत मतलब जरूरी होता है कि वो सभी को गाइड करे। गुड गुड, यस अच्छा है। और किसी का कोई एक्सप्लेनेशन? ठीक है, तो देखो ग्रुप जब भी हम लोग बनाते हैं तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ये मेरे सोसाइटी का ग्रुप है, तो मतलब हम लोग एक जगह रहने वाले ग्रुप है। दूसरा कुछ लोग है ये मेरा फ्रेंड ग्रुप है स्कूल का, तो मतलब एक जगह पढ़ने वालों का ग्रुप। या तो ये मेरा ग्रुप है जो म्यूजिक वाला है, मतलब सेम टैलेंट वाला या सेम बोला हॉबीज वाला ग्रुप। तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है ग्रुप में। बट टीम में क्या जरूरी है कि कुछ ना कुछ कॉमन हो? जैसे क्या है, टीम में आप जानते हो कि कोई गोलकीपर होता है ना, कोई गोलकीपर है तो कोई रेफरी है, मतलब हर एक का जो रोल है वो डिफाइंड है। और जब रोल डिफाइंड है हर के पास अलग अलग कैपेबिलिटी है, बट कंबाइंडली दे विल विन, दे आर ट्राइंग टू विन, है ना, कंबाइंडली वो कोशिश करते हैं कि विन करने का सबके अलग अलग क्वालिटी को लेके। वैसे क्या होता है, टीम जब अपन लेके चलते हैं तो हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, दैट्स फॉर श्योर, जो कि इस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, वो टीम और हम लोगों को यही करना है कि हम लोग वो टीम बनाए, और उसमें जरूरी नहीं कि लीडर हो, बट ये चीज श्योर है कि टीम का इंडिविजुअल एफर्ट टोटल टीम के एफर्ट से हमेशा से कम होता है, टोटल टीम का एफर्ट हमेशा से ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एफर्ट। ये सबसे बड़ा चीज है टीम के साथ, मतलब टीम जब भी साथ में रहता है तो उनका कंबाइंड एफर्ट इंडिविजुअल एफर्ट से हमेशा से ज्यादा होता है। तो 11 लोग हैं और 11 लोगों का एफर्ट है तो वो एफर्ट एक्चुअली 12 लोग या 15 लोगों के बराबर होता है ना। तो टीम में यही डिफरेंस है कि हम लोग हर के कैपेबिलिटी से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और वो हेल्प करता है। जैसे हम लोग क्या है, किसी करंट अफेयर्स का कोई न्यूज के बारे में बात किए, हर ने अलग अलग डायमेंशन दिया, हर ने अलग अलग बातों पर डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन को सारे डिस्कशन को मैंने क्या किया, जब आंसर लिखा तो आंसर लिखते हुए मैंने वो सारा चीज को नोट डाउन कर दिया, सारे डायमेंशंस को। इससे क्या हुआ, मैंने यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का जो भी आंसर्स है उसको इस लेवल पे लिखा कि वो आंसर सारे एंगल को लेते हुए था, और इसलिए आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपने सारा डायमेंशंस ऐड किया। नॉट ओनली दिस, टीम में एक और चीज होता है, टीम स्पिरिट। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि कभी किसी को थोड़ा
थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट देते हैं, कभी कभी अपना लॉस करते हुए भी, कभी कभी हम सामने वाला डिमोटिवेटेड है तो अपना टाइम खर्च करके भी उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल के दिन ऐसा भी होगा कि मैं डिमोटिवेटेड फील करूँ और वो मोटिवेट करे। वैसे सही बताऊँ ना, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, है ना, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, बट स्टिल एक लंबी जर्नी है तो मोटिवेशन प्लस माइनस होता रहता है। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि हर कोई हमेशा से मोटिवेटेड रहता है, बट मोटिवेशन वो चीज है कि जब आप डाउन होते हो तो किस तेजी से खड़े होते हो, है ना, कितना अच्छे से राइज अप करते हो, वो है मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि किसी के साथ डाउन मोमेंट नहीं आता, किसी के फैमिली में लॉस नहीं होते, हर के घर में होते हैं, पर क्या है आप किस तरीके से कम बैक करते हो, दैट इज द थिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कुछ और भी बड़ी चीजें हैं जो कि करनी है rather than crying या weeping, मतलब मुझे रोने से ज्यादा कुछ और बड़ी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आई विल कम बैक, मैं फिर से वापस जाऊंगा। हाँ, बट मेक श्योर कि मुरझाए हुए प्लांट पे दोबारा पानी मत डालो मतलब जो चीजें बैड चैप्टर्स है ना, उस बैड चैप्टर्स को दोबारा ओपन मत करो, है ना। आपको नए फ्लावर लगाने हैं rather than ओल्ड फ्लावर को पानी देना है, है ना। मैं बहुत सारे एंगल से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, जो पास्ट में कभी भी आपके साथ कुछ भी डिफिकल्टीज हुई है, वो आपको कभी स्ट्रांग बनाया है, बस आपको वो स्ट्रेंथ को लेके चलना है rather than वो इंसिडेंस को लेके चलना है। फॉरगेट दैट इंसिडेंस, बट यू हैव टू टेक दैट स्ट्रेंथ विच यू हैव गॉट फ्रॉम दैट इंसिडेंस, है ना, वो स्ट्रेंथ को लेके चलना है। एक बच्चा जो होता है, एक किड जो होता है, उससे आप टॉय ले लेते हो, वो रोता है, है ना। तो क्यों रोता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे को टॉय दोबारा मिलेगा नहीं, उसको उसको ना ट्रस्ट की कमी होती है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि मैं उससे दोबारा टॉय ले नहीं पाऊंगा करके, ऐसा बहुत सारा चीज होता है। बट जैसे आप थोड़ा बड़े हो जाते हो तो आपका पेंसिल या स्केल या कोई ले जाता है, रूलर वगैरह कोई ले जाता है, फिर भी आपको उतना पेन नहीं होता, क्योंकि जब बचपन थे तो रोते थे पर अब नहीं रो रहे हो। मतलब इट डजंट मीन कि वो चीजें इफेक्ट नहीं करती, बट इट मीन्स कि नाउ यू आर स्ट्रॉन्गर इनफ, यू हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर, है ना। मैं स्ट्रांग हो गया इससे जितना पहले मैं पास्ट में था, तो इट मीन्स आई हैव लर्न समथिंग, आई एम कैपेबल समथिंग। इवन जो ब्रेकअप होता है आपकी लाइफ में, वो एक अच्छे के लिए होता है, सो दैट क्या है, आप ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हो। इट डजंट मीन कि मैं रिवेंज में चले जाऊं, वो क्या वो जैसा कौन सा था गजनी जैसा कि रिवेंज में निकल जाओ, नो वो नहीं होना चाहिए। कोई चीज निगेटिव थॉट से लेके चलोगे ना, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। और कभी भी ऐसा नहीं सोच के चलना कि आई शो कि मैं देखो आईपीएस बनाइए, नो, आपको अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करके आईएएस आईपीएस बनना है, और टू प्रूव योरसेल्फ टू यू, आपको अपने आप को ही प्रूव करना है, है ना, किसी को दिखाना या नहीं है। रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर यू, रिजल्ट्स आपके लिए बोलेंगे ना, आप क्यों बोलते हो, इजंट इट। और दूसरा चीज ये होता है कि निगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से कुछ साल, एक डेढ़ साल थोड़ा सा दूर रहो। वो लोग क्या बोलेंगे, अरे इस एग्जाम में नहीं हो पाता, बहुत लोग करते हैं, बहुत टाइप का बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहा है, समझो ना। मोस्टली लोग सजेशन आउट ऑफ जेलस देते हैं, जब ना कोई सजेशन दे रहा है ना, तो बी अलर्ट कि हो सकता है वो आउट ऑफ जेलस आपको सजेशन दे रहा है। और जेलस को फील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, उसके मजाक को समझना, है ना। कोई अगर जोक, मेरे आवाज कंटिन्यूस आ रही है ना, कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना, ओके नो सर, ओके हाँ। तो क्या है, किसी का जेलस को फील करना है तो उसके जोक्स को समझो, वो जब जोक्स करता है ना, इसका मतलब वो ना उसी चीज से आपके तकलीफ में है। तो यही चीज है, तो आप मान के चलो जिस समय लोग ज्यादा जलने लगे या लोग आपसे बात नहीं करने लगे, इट मीन्स आप कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना, दैट्स फॉर श्योर, है ना। और आपको वैसा चीप हरकत नहीं करना है कि किसी को ब्लॉक कर दिए, अपना डीपी हटा दिए, ये सब दिखाता है कि यू आर शोइंग द इफेक्ट ऑफ अदर्स एक्शन, है ना। दूसरे के एक्शन में आप अपना इफेक्ट दिखाते हो, मतलब आपको फर्क पड़ रहा है ना, ये दिखाते हो आप। आप जिस दिन ये करने लग जाओगे, जब एक्चुअल में आपको फर्क ना पड़े, उस दिन आप रियली स्ट्रांग हो, ठीक है ना। बस ये एक प्रवचन के साथ अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज का जो क्लास है। इस बीच में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेते रहूंगा, आप लोग हैंड रेस कर लेना और उसके बाद क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को कुछ बोलना है, फाइन, चलो।
ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन, GIS ज्योग्राफी। आई फील लाइक मिस वी हैव द फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज्योग्राफी, हर चीज ज्योग्राफी से ही स्टार्ट होता है, और इसको मैं बताऊंगा इस कारण से, इवन हिस्ट्री, इवन पॉलिटी, इवन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, हर के स्टार्ट में, इवन फिजिक्स, हर के स्टार्ट में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है। अब वो कैसे है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि ये जो ज्योग्राफी है, ये आपको स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में बताता है ना, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में है ना, इसकी स्टडी करना इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। बट क्या है कि ओनली अर्थ का स्टडी करने से क्या हमारा काम हो जाता है? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे अर्थ में एक मून भी है जो हमको इफेक्ट डालता है, हमारे अर्थ के आसपास कुछ स्टार्स भी हैं जो हमको इफेक्ट डालते हैं, हमारे अर्थ के पास एक सन भी है जो कि हमको इफेक्ट डालता है। तो इसका मतलब ओनली अर्थ को समझने से काम नहीं होगा, द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी शुड बी मोर, ज्योग्राफी का स्कोप थोड़ा सा और भी होना चाहिए। कितना? एटलीस्ट सोलर सिस्टम तक तो होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं अपना सोलर सिस्टम जानूं कि सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, ये सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे अर्थ को इफेक्ट डालते हैं, और वो मेरे अर्थ को तो इफेक्ट डालते हैं एज वेल एज मेरे लाइफ को भी इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि जिस दिन सनलाइट होगा उस दिन प्लांट्स जो होंगे उनका फोटोसिंथेसिस वो कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तो फ्रूट्स देंगे, एग्रीकल्चर डेवलप हो पाएगा, तब मुझे खाना मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यस, सन जो होगा वो सबसे ज्यादा सोर्स है एनर्जी का, मतलब मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं एनिमल को खाऊंगा या तो प्लांट को खाऊंगा। अब एनिमल किसको खाएगा? वो प्लांट को खाएगा, या तो छोटे एनिमल को खाएगा, और छोटा एनिमल अल्टीमेटली प्लांट को ही खाएगा, और प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिली? सन से मिली। तो ये जो फूड श्रृंखला है, फूड चेन है, या खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं, तो ये जो फूड चेन है इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन। नॉट ओनली दिस, अर्थ में जितने विंड्स चलते हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जैसे समर का सीजन आ रहा है, समर के सीजन अप्रोच जैसे जैसे करता जा रहा है, विंड का स्पीड बढ़ता जा रहा है, विंटर सीजन में उतना विंड चलता नहीं है, है ना। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बैडमिंटन जब अपन खेलते हैं तो मोस्टली हम लोग विंटर सीजन में खेलते हैं, या तो इंडोर में खेलते हैं, पर समर सीजन में बाहर में कभी नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है विंड चलती है। तो मतलब समर सीजन में ऐसा क्या होता है जिसमें विंड चलती है? तो एक चीज कंफर्म है, समर सीजन में सन की लाइट या तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज मोर, सूरज की तीव्रता जो होती है वो ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं वो अर्थ में ज्यादा एनर्जी को लाता जा रहा है। तो मतलब ये है कि मेरे लाइफ को भी इफेक्ट करता है सन, क्योंकि कल के दिन ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है या ग्लोबल कूलिंग हो जाए, दोनों कंडीशन में इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है? सन। क्योंकि सन से एनर्जी नहीं आएगी तो वार्मिंग कैसे होगा, और एनर्जी नहीं आएगी तो कूलिंग हो जाएगा, isn't it? तो एवरीवेयर देयर इज अ ज्योग्राफी, इफ यू विल फील लाइक कि कहाँ कहाँ पे ज्योग्राफी है। जैसे मेरे हमारे घर के, या हमारे कास्ट के, या हमारे सोसाइटी के, या हमारे कम्युनिटी के कोई ना कोई प्रोफेशन होता है जो कि सदियों से दादा परदादा वहां से चलता आ जा रहा है, हेरिडिटरी कुछ प्रोफेशंस होते हैं, कुछ व्यवसाय होते हैं जो चला आता है, और उसका कहीं ना कहीं कारण होता है ज्योग्राफी। जैसे क्या है, आप अपने कस्टम में आपने देखा होगा कि वेस्ट पीपल इन द वेस्ट बंगाल, बिहार या असम, यहाँ पे मोस्टली जो स्टेपल फूड है, जो प्रधान भोजन है, वो क्या है? वो है राइस, समझे? राइस सबसे स्टेपल फूड है यहाँ पे। अब राइस खाते हो तो राइस यहाँ पे मेन फूड क्यों बन गया, या तो राइस को, राइस आपके डेली के हैबिट में क्यों आ गया? तो इसका अगर आंसर निकालोगे तो वो भी ज्योग्राफी से आएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा प्लेस है या तो जिस जगह पे भी राइस होता है वो ऐसा प्लेस है जहां पे दो चीजें काफी अच्छी है, वन थिंग सनलाइट, धूप अच्छी पड़ती है, सेकंड थिंग ह्यूमिडिटी, नमी अच्छी पड़ती है। तो लेट मी राइट समथिंग, तो राइस होने के लिए
आपको क्या क्या चीजें चाहिए? पहला चीज होता है सनलाइट, इसेंट इट, एंड दूसरा होता है ह्यूमिडिटी. जस्ट मिनट. यस. तो आप कभी जानते होंगे जिनको डायबिटीज होता है या शुगर जिसको बोलते हैं, उनको राइस खाने से मना करते हैं, कभी सुना है? और अगर yes, करते हैं हाँ तो क्यों? व्हाई? उसमें ग्लूकोज रहता है ना. क्या होता है राइस में? राइस में कार्बोहाइड्रेट रहता है. यस, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्ब्स बोलते हैं ना लोग, कार्बोहाइड्रेट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इसके कारण से शुगर की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है ना. तो क्या है राइस, मतलब इसमें क्या चीज ज्यादा है, ग्लूकोज का अमाउंट या हम लोग बोलते हैं कार्ब्स, है ना, इसका अमाउंट ज्यादा है. और ये ग्लूकोज बढ़ता कैसे है? तो ग्लूकोज होता है फोटोसिंथेसिस से, है ना, फोटोसिंथेसिस से. और फोटोसिंथेसिस, फोटो का सिंथेसिस, प्रकाश का सर्कुलेशन, है ना, सनलाइट को सिंथेसाइज करके केमिकल फॉर्म में रख देना, दैट इज फोटोसिंथेसिस. सन का लाइट को, एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देना जो कि फ्यूचर में एनर्जी का काम करेगा, वो है फोटोसिंथेसिस, है ना. तो क्या है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कहाँ पे होगा? जहां पे फोटो होगा, फोटो मतलब सनलाइट ज्यादा होगा. बट ओनली सनलाइट से काम नहीं चलता, क्योंकि प्लांट्स को पानी भी चाहिए. क्योंकि अगर आप जानते होगे तो अगर ग्लूकोज का अगर केमिकल फॉर्मूला निकालोगे तो आपको सनलाइट के साथ साथ H2O चाहिए, तभी आपका ग्लूकोज बनेगा. जरूरी H2O चाहिए, तभी तो आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला कंप्लीट होगा. तो क्या है, सनलाइट एक कैटलिस्ट का काम करता है एक प्रकार से, और बाकी जो ह्यूमिडिटी है और बाकी जो एलिमेंट है या न्यूट्रिशन है या मिनरल्स है, वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में. तो इसलिए क्या है, इंडिया में 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं ना, कर्क रेखा, इसके नीचे में काफी ज्यादा सनलाइट पड़ती है. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के पास है ये, 0 डिग्री ये इक्वेटर है और ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री के आसपास हमारा जो केरला के पास है. तो 0 से 23.5 के बीच में काफी ज्यादा सनलाइट पड़ती है. इस जगह पे सनरेज वर्टिकल पड़ता है. अगर आप कभी सुने होंगे, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है इस जगह पे. कैसे पड़ती है उस पे जाएंगे बाद में, ठीक है, हम लोग बस इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो इस जगह पे, जिस जगह पे सनलाइट अच्छा होता है, और कहीं पे अगर उसके साथ मैंने वाटर की अवेलेबिलिटी करवा दी, पानी करवा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे राइस बहुत अच्छे से हो पाएगा. तो पूरा 23.5 के नीचे का एरिया राइस डोमिनेंट है. चाहे आप उड़ीसा में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, पूरा साउथ के जितने स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, ये सारे जगह पे राइस एंड राइस से बनी हुई चीजें बनती हैं. तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे भोजन में, हमारे खाने में ये राइस वाला एलिमेंट क्यों आया, क्योंकि भाई सनलाइट पड़ता था. मतलब मुझे ज्योग्राफी से उसको कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि इसका अल्टीमेट कारण क्या था, ज्योग्राफी, है ना. 23.5 तक बहुत अच्छा सनलाइट पड़ता है. सेकंड, अगर मैं बोलता हूँ कि ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो वो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है ना. तो और अगर रिवर से पानी आ रहा है, तो वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है. तो इसका मतलब ये है, मेरे राइस खाने का रीजन एक है कि मेरे पास जगह पे राइस अच्छे से होता है, है ना. दूसरा, और भी चीजें कल्चर में होती है हमारी, कि जैसे कि पूरे इंडिया में, होल ऑफ द इंडिया में फेस्टिवल्स का एक टाइम होता है. देखोगे कि अराउंड अक्टूबर के बाद से सारे फेस्टिवल चालू हो जाते हैं, और पूरे इंडिया में जुलाई से अक्टूबर कोई फेस्टिवल नहीं होता. मतलब फेस्टिवल मतलब बड़ी बड़ी हैपनिंग्स नहीं होती, जैसे मैरिजेस नहीं होती, शादियां नहीं होती, है ना, मैरिजेस वगैरह नहीं होते, या कुछ शुभ कार्य जिसको बोलते हैं वो सब नहीं होते जुलाई से अक्टूबर के बीच में. और जो भी चालू होता है अक्टूबर के बाद से चालू होता है अक्टूबर. तो इसका मतलब क्या है, जुलाई से अक्टूबर क्या रहता है, खरीफ का सीजन रहता है ना, खरीफ.
खरीफ मतलब राइस का सोइंग करना है, चावल की धान की बुआई करना है। तो ये जो राइस का ये जो पैडी कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, तो पैडी कल्टीवेशन का टाइम है जून जुलाई के आसपास, है ना कल्टीवेशन। हाँ उस समय बोइंग सोइंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग कब करेंगे, कटाई कब करेंगे, अक्टूबर के आसपास। तो जैसे ही हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो फार्मर्स हैं उनके पास पैसे आते हैं, पैसे आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, बाकी चीजें फेस्टिवल्स मनाएंगे, शादियां करेंगे या जो भी करना है। और उसका जो पहला खाना, पहला पानी जो भी है, उसको नवन्न के फॉर्म पे या नवा पानी के फॉर्म पे, हर जगह अलग अलग नाम से उसको देवी पे चढ़ाते हैं, नॉर्मली देवी पे। म्यूट कर लो जो भी बोल रहा है ना। नॉर्मली हम लोग भगवान पे चढ़ा देते हैं, और उसका कारण क्या है, सिंपल एक ही कारण है, क्योंकि भाई पहला जो राइस है, एज फीमेल इज द सिंबल ऑफ द फर्टिलिटी, तो हम लोग क्या है कि आपके कारण से ही हमको राइस मिला, तो हम क्या है उनको दे देते हैं, और इसके बाद फिर बाकी फेस्टिवल्स वगैरह काम करते हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये अक्टूबर के बाद फेस्टिवल होने का यही कारण है। अब उसको किसी भी नाम से दो, है ना, उसको दुर्गा पूजा के नाम से बोलो, उसको दिवाली के नाम से बोलो, किसी भी नाम से बोलो, पर फेस्टिवल का मेन रीजन है इस समय आपके पास पैसे आते हैं। और वो भी पैसे क्यों आते हैं, क्योंकि फार्मर के पास पैसे आते हैं। तो बोलोगे कि फार्मर के पास पैसे आते हैं तो मैं तो अगर बिजनेसमैन हूं तो मेरे पास कैसे पैसे आएंगे। तो फार्मर तो कस्टमर है ना आपका, कस्टमर के पास पैसे रहेंगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा, है ना। तो जैसे आप म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो। हाँ तो फार्मर एक कस्टमर है आपका, तो फार्मर के पास पैसे जो हैं वो होंगे तो या तो वो कुछ चीजें खरीदेगा आपसे, या तो वो खुद एक्सपेंडिचर करेगा। तो दोनों कंडीशन में अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आपके कस्टमर के पास पैसे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए आप देखोगे कि शेयर मार्केट को आप कभी ऑब्जर्व करते होगे, जिस दिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कभी सुने होंगे, है ना, भारतीय मौसम विभाग, इसका प्रेडिक्शन आता है कि इस साल मॉनसून की बारिश 90% बस रहेगी, जितना एवरेज होती है उसका 90% रहेगी, उस दिन शेयर मार्केट पूरा डाउन हो जाता है। और उस दिन नहीं, पूरे साल, मतलब जब तक कोई नया प्रेडिक्शन नहीं आता तब तक डाउन रहता है। और जिस समय प्रेडिक्शन ये आ जाता है कि जो मॉनसून है वो 100% या बेटर रहेगा, तो मान के चलो कि वो पूरा शेयर मार्केट उठने लग जाता है एक्सपेक्टेशन में, क्योंकि इवन AC भी खरीद रहे हैं, इवन फ्रिज रेफ्रिजरेटर भी खरीद रहे हैं, सबकी कंपनी को इफेक्ट पड़ता है अगर मॉनसून अच्छा नहीं होता। तो इकोनॉमी भी चला रहा है ज्योग्राफी, मैंने जैसे बोला ज्योग्राफी ने आपके कल्चर में लाया कि राइस को खाते हैं, है ना, ज्योग्राफी ने आपके फेस्टिवल्स को रेगुलेट किया, ज्योग्राफी ने और क्या रेगुलेट किया, आपकी इकोनॉमी को रेगुलेट किया, इकोनॉमी को रेगुलेट किया, और भी चीजें हैं। ज्योग्राफी आपके आपके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है। आप देखो जिस जगह पे स्वेटिंग ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, उस जगह पे कॉटन और कॉटन से बने जो क्लॉथ होते हैं उसको पहना जाता है, है ना। आप देखोगे कि जैसे जहां पे भी कॉटन का साड़ी, कॉटन का धोती या कॉटन का बनियान जो भी है, ये जहां पे भी पहना जाता है, मोस्टली उस जगह पे गर्मी ज्यादा होती है। तो ये जो कॉटन अच्छे फेस्टिवल्स में या बोलना चाहिए कि पूजा वगैरह में कहीं पे भी कॉटन का पहनने का एक कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, क्योंकि उस जगह का क्लाइमेट वैसा होता है ना। क्लाइमेट आप जानते हो कि कॉटन रहता है तो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी ड्राई हो जाता है, आपको कम गर्मी लगाता है, थोड़ा सा ठंडा लगता है। तो कॉटन हमारे कल्चर में आ गया क्योंकि कॉटन सबसे अच्छा हमको कंफर्टेबल फील कराता है। पर वही अगर हमारा ठंड वाला प्लेस होता तो हम लोग क्या है, हम लोग फिर वुलन वाला चीजों को देखते हैं। तो हमारे पूरे पूरे इंडिया में देखा जाए तो जब भी कुछ अच्छा होता है तो ब्राइट कलर पहनते हैं। ब्राइट कलर में जैसे व्हाइट हो गया, मतलब अच्छा, मतलब जब रिलीजियस चीजें होती है, जब आपका मन शांत होना है उस समय आप क्या व्हाइट येलोइश इस टाइप का पहनते हो। क्यों पहनते हो, क्योंकि भाई आपके मन को शांत करता है, गर्मी इतनी है तो क्या है, व्हाइट पहने रहोगे तो थोड़ा सा आप शांत रहोगे और कंसंट्रेट कर पाओगे। तो पूरे जगह पे व्हाइट येलो, जहां पे भी ना पीसफुल वाली चीजें होती है वहां पे आप व्हाइट येलो पहनते। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ना आपको पार्टीज वगैरह में जाना रहता तब आप डार्क या ये पहनते हो। क्यों, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल टाइम में तो आप तो व्हाइट धोती यही सब पहने हुए हो, क्योंकि
पास्ट में तो यही पहनावा था, वेशभूषा था, तो पास्ट में तो व्हाइट और ये सब पहने हुए, तो जब शादियां होती है तो थोड़ा सा रेड टाइप का पहन ले, ब्लैक टाइप का पहन ले, इस टाइप का होता है, क्योंकि डिफरेंट दिखना है आपको। अब वही फॉरेन में आप जाओगे तो आप देखते हो कि मोस्टली वो लोग ब्लैक या डार्क पहने रहते हैं, क्यों? क्योंकि ठंड, फॉरेन में नहीं बोलना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज में, वहां पे देखोगे कि जब भी, क्योंकि मोस्टली ठंड रहती है वहां पे, तो लोग ब्लैक ज्यादा पहनते हैं। अब जब स्पेशल ओकेजन हुआ, शादी हुआ, तो व्हाइट पहन लिया, क्योंकि उसको अलग तो दिखना है ना, तो हमको, हम तो रोज व्हाइट पहनेंगे तो अलग कैसे दिखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं उस समय, हम लोग ब्राइट कलर पहन लेते हैं या ब्लैक कलर पहन लेते हैं, और वही जस्ट अपोजिट यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में अपोजिट हो जाता है। तो व्हाट यू कैन सी, ये सारे जो कल्चर कस्टम्स में आए हमारे, ये अल्टीमेट इसका कारण यही था। और जिस जगह पे ज्यादा गर्मी होती है, जैसे आप इस्लामिक स्टेट्स में जाओगे ना ये गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, ये सारे जगह पे व्हाइट का कल्चर है, क्यों? क्योंकि ब्लैक पहनोगे तो इतनी हालत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी, तो उस जगह पे पूरा व्हाइट है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि आपके कॉस्ट्यूम्स में भी क्या आ गया, ज्योग्राफी आ गया, है ना, आपके कॉस्ट्यूम्स में भी ज्योग्राफी आ गया। और इंडिया एक समय कॉटन का बहुत अच्छा सप्लायर था, अगर आप सुने होंगे कि कॉटन बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता था इंडिया, है ना, ये तो बाद में उन लोगों ने मार्केट खराब कर दिया ब्रिटिशर्स ने, अदरवाइज। और कॉटन क्यों अच्छा कर पाते थे, क्योंकि कॉटन की डिमांड भी ज्यादा थी, है ना, कॉटन की डिमांड भी ज्यादा थी। तो हम लोग ही जानेंगे कॉटन के बारे में, वुलन के बारे में तो बाहर के लोग जानेंगे, कॉटन के बारे में अच्छा वैरायटी देना हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब देखो कि हमारे कल्चर कस्टम्स में भी आ गया, जिसका भी ट्रेडिशनल वियर कहीं का भी है ना, वो श्योरली वहां के क्लाइमेट से रिलेटेड है, है ना, कहीं का भी ट्रेडिशनल वियर होता है वो वहां के क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अब मैंने क्या बताया, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता दिया, एनवायरमेंट तो डेफिनेटली ज्योग्राफी से है, क्योंकि किसी जगह पे अगर कोई टाइप का वेजिटेशन मिलता है, वनस्पतियां किसी टाइप की मिलती है, वो वेजिटेशन का रीजन दो ही चीज होता है, वो उसका रीजन होता है या तो वैसा सॉइल मिलता है या तो वहां का क्लाइमेट है। जैसे क्या है, हम लोग बोलते हैं बंगाल टाइगर, तो भाई बंगाल टाइगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइगर, बंगाल टाइगर कैसे अलग है बाकी टाइगर से, कि सेम ही है, बस बंगाल में मिलने वाले टाइगर को बंगाल टाइगर बोल रहे हैं, एनीवन? यस यस बोलो सर। उसका साइज डिफरेंस होता है, साइज में बड़ा रहता है ऑन एन एवरेज, फ्रॉम एन एवरेज इंडियन टाइगर। ओके यस दैट्स फॉर श्योर, एंड साइज इसका बड़ा रहता है बंगाल टाइगर का। ओके और कुछ? उसके ब्लैक स्ट्राइप्स में भी कोई डिफरेंस होता है शायद। हाँ, स्ट्राइप्स में भी डिफरेंस होता है, यस। क्या है ये जो स्ट्राइप्स होने का रीजन क्या होता है सर? वहाँ का क्लाइमेट होता है, क्योंकि बंगाल जो जिस एरिया मिलता है सुंदरबन वगैरह में जो, सर वहाँ का क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट की वजह से, ओके। आप देखो जैसे एमपी में जो टाइगर मिलता है ना, और जो वेस्ट बंगाल में मिलता है, तो वेस्ट बंगाल में कौन से जगह पे मिलते हैं ये टाइगर, बंगाल टाइगर? सुंदरबन डेल्टा के आसपास। सुंदरबन डेल्टा के पास, गुड। सुंदरबन डेल्टा वैसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा मडी है, मार्शी है ना, थोड़ा सा कीचड़ जैसा आता है ना, मार्शी एरिया। उस जगह के हिसाब से वो जो टाइगर है वो वेल डेवलप्ड है, वो उस एरिया पे हंटिंग के लिए बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो परफेक्टली, मतलब उनका साइज भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस जगह पे आपको बैलेंस मेंटेन करना, उस जगह पे आगे बढ़ना, क्योंकि इतना मडी एरिया रहता है, उस जगह पे आपको ये करना, हंटिंग करना एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो वो जो बंगाल टाइगर है वो मडी एंड मार्शी एरिया के लिए बना है, और वही जो एमपी के टाइगर हैं वो प्लेन एरिया के लिए बने हैं, है ना। तो देखो एनिमल्स में भी किस टाइप का डिफरेंस आ जाता है, इवन ह्यूमन में भी आप देखोगे कि हमारे पास तीन चार टाइप के रेसेस हैं, रेस जानते होगे आप, है ना। जैसे क्या है, एक मंगोलाइट रेस जिसका आइज वैसे वाले मंगोलाइट रेस हो गया, दूसरा है कॉकेसाइड्स होते हैं, फिर निग्रोइड्स होते हैं, ऐसे बहुत टाइप की वैरायटी होते हैं। और जितने वैरायटी है वो वैरायटी एक्चुअल में उस एरिया के लिए, उस प्लेसेस के लिए वो बहुत सुटेबल है ना। जैसे सिंपल चीज, साउथ ऑफ इंडिया में डार्क स्किन क्यों होता है, क्योंकि वो सनराइज सन रेज को जो होता है वो सन रेज को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सन रेज से यूवी रेज आती है, और यूवी रेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका स्किन बर्न हो सकता है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है,
है ना, तो ब्लैक स्किन आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है। वही अगर आप देखोगे शेरपास है ना, जो कि नेपाल वगैरह में मिलता है, शेरपा इतने हाई अल्टीट्यूड में रहने वाले 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर में रहने के लिए बेस्ट बने हुए हैं, वो उस हिसाब के लिए बेस्ट एक्लेमेटाइज्ड है, वो परफेक्टली सुटेबल है उस प्लेस के लिए। तो क्या है, ह्यूमन के में भी वैरायटीज आ जाता है, क्योंकि हम उस जगह के क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाते हैं, है ना। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि इंडियन आर्मी की होती है तो गोरखा रेजिमेंट अलग होता है, उधर राजपूत, हर जगह का जो रेजिमेंट होता है वो उस एरिया के लिए परफेक्टली सुटेबल होता है। आप सडनली प्लेन एरिया के ह्यूमन को आप हिली एरिया में लड़ाई करने के लिए जाओगे तो उसके डेथ होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, या सर्वाइव ना करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, और वो तो सर्वाइव करना तो मुश्किल है, उसका लड़ाई कैसे करोगे, है ना। तो ये गोरखा रेजिमेंट ये सब बनाने का पर्पस यही होता है कि भाई आप उस जगह के लिए सुटेबल हो, है ना। तो ह्यूमन में भी देखो चेंजेस आ जाता है। अरे आप ये ऑब्जर्व करना कि कोलकाता से दार्जिलिंग जाते जाते कुत्तों में भी बाल ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, है ना, कुत्ते के जो फर हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ऊपर जाओगे तो कुत्ते के फर आ जाते हैं डॉग में, नीचे आओगे तो डॉग फेस ऐसे ही हो जाता है ना। तो मतलब आप देखोगे कि ये सारे चेंजेस एक्चुअल में किसके कारण से हो रहे हैं, ये इसके कारण से है, क्लाइमेट के कारण से, क्लाइमेट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, है ना। तो मैं आपका थॉट डेवलप कर रहा हूँ कि कैसे ज्योग्राफी हर जगह है। अब ज्योग्राफी हिस्ट्री में कैसा है, तो हिस्ट्री में देखोगे कि पास्ट में मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इसलिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं पे ज्योग्राफिकल लैंड उनको चाहिए, या फर्टाइल लैंड चाहिए, किसी जगह पे फर्टाइल लैंड चाहिए, या जिस जगह पे कोई किंग है जिसके पास लैंड फर्टाइल नहीं है तो दूसरी जगह पे अटैक कर रहा है। मोस्टली डाकू जो होते थे ना, रॉबर्स जो होते थे ना, वो उस जगह से होते थे जहां पे एक्चुअल में कुछ नहीं होता। जैसे बचपन में कभी सुना होगा चंबल के डाकू काफी फेमस है, कभी सुना है किसी ने चंबल के डाकू के बारे में? चलो नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। क्या है ये चंबल के डाकू जो अपन बोलते हैं, उस जगह पे डाकू क्यों मिलते हैं इतना रॉबर्स क्यों है? क्योंकि भाई उस जगह पे, जिस जगह पे चंबल के डाकू मिलते हैं, उस जगह पे चंबल रिवर ने ऊपर का फर्टाइल लेयर को पूरा रिमूव कर दिया है। चंबल नदी जो है उसने ना ऊपर का जो उपजाऊ जो लेयर होता है उसको पूरा रिमूव कर दिया है, तो उस जगह पे कुछ नहीं हो पाता, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, खेती वेती कुछ नहीं हो पाती, इवन एनिमल्स के लिए भी ग्रासेस नहीं बचे हैं, ताकि अगर चलो पशुपालन कर ले, कैटल रेलिंग कर ले, वो भी नहीं हो सकता, तो उतना भी नहीं बचा है उनके पास। तो इसलिए अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन क्या है कि भाई दूसरे घर में जाके जिसके यहाँ खेती होती है उसके जाके चोरी करना, डकैती करना। अच्छा चोरी एंड डकैती में क्या डिफरेंस? हाँ हाँ म्यूट कर लो यार। म्यूट कर लो जो भी बोल रहे हैं। हाँ वैसे चोरी और डकैती में क्या डिफरेंस है, मतलब रॉबरी एंड स्टीलिंग में क्या डिफरेंस है? सर चोरी तो चुपके कर लिया जाता है ना, डकैती हाँ। जबरदस्त के लिए कर जाता है, मतलब गन पॉइंट पे किया जाता है वो डकैती है ना? हाँ हाँ यस यस वही है ना, छुपके। और ये तो क्या है, वो लोग क्या करते थे, लोग को दो चीज रियलाइज कराना रहता था। एक तो क्या है, तुमको टेरर हो कि आपको खुद से दे दो, मतलब वो आइडेंटिटी रिवील करते हैं जो डकैत होते हैं ना, वो बताते हैं कि हम हैं करके, ताकि टेरर डेवलप करना भी एक उनके लिए थॉट में रहता है ना, गन पॉइंट पे किया जाता है। तो खैर, तो मेरा ये बताना था कि ये जो डाकू है उस जगह पे क्यों आते थे, चंबल रिवर के साइड से क्यों आते थे सारे जगह पे, उसका रीजन है उस जगह पे कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, हमारा जो इवन क्राइम भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हाँ तो मैं भाई ये बताना चाह रहा था, जैसे आपने एंशियंट हिस्ट्री में कभी भी पढ़ना चालू करोगे कभी, तो आप जनपदास के बारे में पढ़ोगे, महाजनपद जनपद के बारे में पढ़ोगे। तो ये महाजनपद का जो मेन सेंटर था वो पटना के पास था, है ना, पटना मगध वाला एरिया जो सुने होंगे, वो सबसे मेन सेंटर था। और वो क्यों मेन सेंटर था, क्योंकि वहां पे दो रिवर और दो क्या तीन रिवर आके मिलती है, इतना फर्टाइल लैंड है। तो वो जो बिहार का जो एरिया है, जो जिसको पटना वाला जो एरिया है, वहां पे तीन तीन रिवर आके मिल रही है, और वो तीनों रिवर मस्त बहुत अच्छे सेडिमेंट्स लेके आती है, पूरा फर्टाइल लैंड बना देती है, और उस जगह पे एग्रीकल्चर हमेशा से पॉसिबल हो पाता है। क्यों पता है, खेती के लिए दो तीन चीजें चाहिए, एक तो हर साल उसका जो सॉइल है वो चेंज होता रहे, जैसे आप कभी टॉप में गमला जो बोलते हैं ना, उसमें कभी आप
सॉइल चेंज करते हैं तो अच्छे से प्लांट्स होते हैं, तो हर साल उसमें नया सेडिमेंट्स आते हैं, तो हर साल रिप्लेस होता है वो। तो इसलिए पटना का जो एरिया है, वो जो मगध का एरिया है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप किया और वो महाजनपद बन गया, और आसपास के जो एरियाज थे वो जनपद में आ गए, जहां जहां पे अच्छे से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी। तो मतलब देखो, पास्ट में भी जो उसका सेंटर था, बोलना चाहिए कि पावर का जो सेंटर था, वो भी कौन सा एरिया था, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड था, है ना। इवन इंडस वैली भी सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पे डेवलप हुआ, इंडस भूमि ना, जहाँ पे रिवर है, रिवर है तो सेटलमेंट है। पास्ट की जितनी सिटीज हैं, जहाँ पे कहीं पे भी बस्ती बनी है, कुछ भी बना है, उसका मेन कारण क्या है, वहां पे रिवर थी, है ना। इट मीन्स हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, इवन आपको हिस्ट्री में एक इंसिडेंस आप कभी सुने होंगे कि सतलज रिवर के ऊपर जो सिख किंगडम था, सतलज रिवर के नीचे जो था, ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया था, पूरा कैप्चर कर लिया था सतलज नदी के नीचे। अब क्या हुआ कि जो सिख किंगडम के जो जो मेल किंग थे वो खत्म हो गया, है ना। अब क्या हुआ, जो फीमेल थी उनको डाउट था, जो रानी थी उनको डाउट था कि ये ब्रिटिशर्स आके हमारे पर अटैक कर देंगे, तो राधा दन वो लोग मेरे ऊपर अटैक करें, मैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उसने जब उसके ऊपर अटैक किया तो सतलज के ऊपर का लेवल लेयर का जो स्टेट है वो भी ब्रिटिशर्स का हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो रिवर है इसने बैरियर क्रिएट किया था। इवन पूरे इंडिया में, इंडिया बोलना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडस रिवर के राइट साइड में, है ना, इंडस रिवर के राइट साइड में, हिमालय के नीचे साइड में, ये जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है ना, यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे खाने पीने का तरीका, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये सारा ऑलमोस्ट सेम है। भले हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्री बना दें कि इंडिया पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, ये सब बाउंड्री हम लोग बना दें, पर इन रियलिटी इंडस से लेके गंगा तक और इधर के जो बोलना चाहिए कि जैसे आपको पीछे साइड में दिख रहा होगा, है ना, ये जो इंडिया का मैप दिख रहा है, तो यहाँ पे इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेके यहाँ पे गंगा तक, और इधर का जो बाउंड्री बनाता है हिमालय बनाता था, हिमालय, और नीचे का जो है कोस्टल एरिया है, ये सारा एरिया बैरियर था करके इंडिया में, इंडिया में यूनिक टाइप का कल्चर डेवलप हुआ, है ना, अलग तरीके का कल्चर डेवलप हुआ, और इसमें कोहेसिवनेस था। कोहेसिवनेस मतलब सबके चीजों में कुछ सिमिलैरिटी थी। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज दो तीन ही से ओरिजिनेट हुई है, एक संस्कृत बोलते हैं, एक तमिल बोलते हैं, कुछ ही है। पूरे इंडिया में करीब 6 कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, जो सारे लैंग्वेज उसी से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो ये सारे ओरिजिन का रीजन क्या था, क्योंकि इस जगह पे कोहेसिवनेस था, लोग आपस में अटैच होते थे, पर एट द सेम टाइम विद इन इंडिया इटसेल्फ इतनी सारी नदियां थी जो कि बैरियर बनाता था। जैसे क्या है, गोदावरी, गोदावरी रिवर एक बैरियर बनाएगी, फिर कृष्णा रिवर एक बैरियर बनाएगी, फिर कावेरी रिवर एक बैरियर बनाएगी, फिर यहाँ पे विंध्या एंड सतपुड़ा एक बैरियर बनाएगा, यहाँ पे अरावली एक बैरियर बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि विद इन इंडिया भी इतने सारे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं या बैरियर्स हैं, जिसके कारण से हर जगह का अलग अलग कल्चर डेवलप होने लगा, और इसलिए अलग अलग डायलेक्ट बनने लगे, डायलेक्ट मतलब बोलियां, और इसलिए अलग अलग लैंग्वेज होने लगे। कभी किसी भी कंट्री में नहीं देखोगे कि इतने टाइप के डायलेक्ट्स, बोलियां, भाषाएं हो जाए। अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज 22 है, 22 लैंग्वेज है, और बोलियां को छोड़ दो तो कितने हैं, जो डायलेक्ट्स हैं वो पता नहीं 100 से 150 से ज्यादा होंगे, है ना। तो यू कैन सी कि इवन जैसे वेस्ट बंगाल में भी जो बंगाली है, वो बंगाली वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से अलग है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में थोड़ा अलग है, नॉर्दर्न पार्ट में अलग है, बांग्लादेश के बंगाली से थोड़ा सा और अलग है, महाराष्ट्र में भी मराठी जो है, पुणे साइड का मराठी अलग है, नागपुर साइड का मराठी अलग है। तो मतलब चेंजेस आ जाता है ना, डायलेक्ट्स में चेंजेस आता है, लोकल इफेक्ट पड़ जाता है। तो हमारे जो लैंग्वेज है उसका एक ओरिजिन का एक रीजन है, और वो क्या रीजन है, उसके पीछे का रीजन है आपका ज्योग्राफिकल बैरियर। अब हर कोई तो माझीदा माउंटेन होता नहीं है कि ना पूरा हिल को काट के पहुंच जाए, उस समय तो एक छोटा सा रिवर को क्रॉस करना मुश्किल था, अलेक्जेंडर क्रॉस नहीं कर पा रहा था इंडस नदी को, है ना, हर जगह कॉन्कर कर लिया पर वहां पे क्रॉस करना मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए ज्योग्राफी ने बैरियर बनाया तो हमारे लैंग्वेज डेवलप हुए, और इट इज गुड। इंडिया एक ऐसा बोलना चाहिए कि ब्लेंड है, एक इतना अच्छा क्लाइमेट का बोलना चाहिए कि मिक्सचर है, जहां पे आपको स्नो भी मिलेगा, स्नोफॉल भी मिलेगा आपको, हेल, ओला बोलते हैं ना, हेल्स भी मिलेंगे, और आपको रेनफॉल भी मिलेगा, और
आपको डिजर्ट भी मिलेगा, सभी टाइप की चीजें मिलती हैं, है ना। इंडिया में आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला रीजन, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला रीजन भी इंडिया में मिलता है आपको। तो इसका मतलब इंडिया में आपके इतनी सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज हैं, जिसके कारण से कल्चरल डाइवर्सिटीज हो गए, है ना। तो ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये अपने ज्योग्राफी से ओरिजिन हो रहा है। तो क्यों जियो आई एस है, बिकॉज एवरीथिंग यू विल गेट इन द जियो इन ज्योग्राफी, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग, यही पॉइंट था बताने का। तो आप जैसे आप इवन देखोगे कि जैसे हम लोग सीजनल फ्रूट खाते हैं या सीजनल वेजिटेशन खाते हैं, हमारा बॉडी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए परफेक्ट बना है। हमारा कोई भी, हमारा बॉडी जो है किसी भी फॉरेन टाइप के, फॉरेन टाइप मतलब जो सिंथेसाइज्ड फॉर्म है, उसके लिए हम लोग का बॉडी बना नहीं है, चाहे वो पहनने से रिलेटेड हो चाहे खाने के लिए रिलेटेड हो, है ना। तो हम लोग परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं इसी के हिसाब से। आप देखोगे कि ये जो चंदा की पूजा होती है, कहाँ पे, करवा चौथ में, करवा चौथ पे चंदा की जो पूजा होती है वो कौन से जगह पे, राजस्थान नॉर्थ वाले एरिया पे चांद की ज्यादा पूजा होती है, है ना। नॉर्थ वाले एरिया पे चांद की ज्यादा इसलिए पूजा होती है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है उस जगह पे, है ना, उतनी गर्मी पड़ती है उस जगह पे, तो जो चांद है वो शीतलता देता है। तो जिस जगह पे चांद, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा होगी वहां पे चांद की पूजा होगी, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे इंडियन हो, मतलब क्या है, आप जहां पे भी मून का अगर पूजा ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है उस जगह पे गर्मी श्योरली पड़ती है, है ना। तो ये देखो हमारे रिलीजन में भी आ जाता है, है ना। तो बाकी रिलीजन जो भी बोले, पर इसका अल्टीमेट पर्पस है ज्योग्राफी, है ना। तो ये एक थॉट है जो कि आपको बताना था। फिर ज्योग्राफी आपका पॉलिटी में, पॉलिटी में कैसे है, तो पॉलिटी आप जान ही रहे हो कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा, मतलब रिटर्न फॉर्म में सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्यों रिटर्न फॉर्म में सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, क्योंकि बोला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो एक तो हम लोग मानेंगे नहीं, अरे लिखा हुआ नहीं मानते तो बोला हुआ क्या मानेंगे, है ना। तो वो तो पहली बात, तो लिख देने से क्या है, कम से कम ये हो जाता है कि भाई देखो वहां पे लिखा हुआ था इसलिए आपको वो ये हो रहा है करके, तो पहला चीज तो वो है। दूसरा डाइवर्सिटी के कारण से, मेनली इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का रीजन है डाइवर्सिटी, भाई हर टाइप के आदमी को टेक केयर करना है ना। जैसे क्या है, इंडिया एक क्लिनिकल ट्रायल का एक हब बनता जा रहा है, यू माइट हैव सीन, यू माइट हैव लिसन टू इट। क्लिनिकल ट्रायल जानते हो किसी, किसको बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल किसको बोलते हैं, अरे जब ना नया मेडिसिन बनता है ना तो उसको चूहों के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है और चूहे के बाद आदमी लोग के ऊपर किया जाता है, है ना, ह्यूमंस पे किया जाता है। तो जो ह्यूमन वॉलंटियर करते हैं, है ना, उन लोग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है नए मेडिसिन का। तो नाउ डेज इंडिया ना क्लिनिकल ट्रायल का हब बनता जा रहा है। इसका एक कारण तो है गरीबी, श्योरली, है ना, वो पॉवर्टी ज्यादा है तो लोग पैसे के कारण से चलो ठीक भाई मेरे पर एक्सपेरिमेंट कर ले, है ना, तो वैसा है। दूसरा क्या है, दूसरा जो कारण है डाइवर्सिटी। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है तो अगर कोई मेडिसिन इंडिया में चल गया पूरी जगह पे चल जाएगा, है ना, मतलब ऐसा मान के चला जाता है। इंडिया में सारे वैरायटीज पे चल गया कि भाई एक लेके आ जाओ नॉर्थ ईस्ट से पकड़ के लेके आ जाओ, एक साउथ इंडिया से पकड़ के ले आओ, एक सेंट्रल इंडिया से पकड़ के ले आओ, एक बंगाल से, क्या बोले, कुछ बोल रहे हो, हाँ हेलो, हाँ 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 कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो म्यूट कर ले। नहीं 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 अभी कुछ नहीं बोलना है, आप बोलिए। अच्छा बोले, ठीक है, हाँ। म्यूट कर लो ना फिर, हाँ हेलो, कितने लोग म्यूट कर लो भाई। हाँ तो हाँ, क्लिनिकल ट्रायल तो इंडिया में ना देखो, इंडिया में डिसीज का जो बर्डन है अराउंड 15% है। डिसीज का बर्डन मतलब सोचो पूरे वर्ल्ड में जितने डिसीज होते हैं, जितनी बीमारियां होती है, उसमें से 15% इंडिया में अकेले होती है, पर क्लिनिकल ट्रायल्स अराउंड 3% ही होते हैं वर्ल्ड के। मतलब हमारे पास अभी भी स्कोप है कि बहुत लोग वॉलंटियर करके ना
अपना वैक्सीन मेरे पर लगा ले भाई, मेरे पर मेडिसिन लगा ले, ये सब है। और कुछ लोग वैसे लोग भी है भाई, मैं कैंसर के थर्ड स्टेज में हूँ या फोर्थ स्टेज में हूँ, वैसे भी मरने वाला हूँ, लगा के देख ले पता नहीं बच गया, तो वैसा भी कंडीशन है, तो वैसा भी है। तो एनीवेज एक और भी है अवेयरनेस, है ना, जागरूकता की कमी है, वो भी एक हमारे यहाँ कारण है। एनीवेज तो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल क्यों इधर पे ज्यादा है, क्योंकि भाई इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है। वैसे क्या है, कोई लॉ या कोई भी एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा, पर इट डजंट मीन कि वर्ल्ड में हो गया तो इंडिया में हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, योर थॉट शुड बी ग्लोबल एंड योर एक्शन शुड बी लोकल। ऐसा नहीं कि फॉरेन का कोई एग्जाम्पल को आके कॉपी कर दिए। अब जैसे क्या है, आप देखोगे कि फुटपाथ जो होते हैं, फुटपाथ नॉर्मली मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई चीफ मिनिस्टर गए फुटपाथ को देख के, बड़ा उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार मेट्रो सिटीज में बढ़िया फुटपाथ बने रहते हैं, तो चलो छोटे सिटीज में भी जाके फुटपाथ बना देते हैं। बना दिए, अब कोई चलता नहीं है, अब उस पर ठेला आ गया, ठेला सब्जी वाले सब बैठने लग गया, और उसके कारण भीड़ होती है किसमें, रोड में। तो क्या है कि देखो कुछ जगह पे फुटपाथ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसके लिए रोड को इतना घेरा जाए। अब बहुत चलता रोड है ना, बाय द वे बहुत चलता रोड है जिसका रोड उतना वाइड नहीं है, उसमें फुटपाथ बना दोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अच्छा है, बट प्रेजेंट कंडीशन में अप टू 10 इयर्स या 15 इयर्स वो उतना ज्यादा ठीक नहीं है, है ना। तो वही है कि हम लोग मेट्रो सिटी से भी सब अर्बन सिटी में कॉपी कर लिए तो वो भी ठीक नहीं होता, एकदम ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना। फिर कुछ लोग फुट ओवर ब्रिज बनाने लग जाते हैं, फुट ओवर ब्रिज तो ठीक है चलो, पर भाई आपके यहाँ अगर जैसे वेस्ट बंगाल में तो काफी ज्यादा फुट ओवर ब्रिज है और वो यूज भी होते हैं, पर जिस जगह पे भाई लोग चलने वाले फुटपाथ में कम है तो फुट ओवर ब्रिज बना के इतना इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे भाई। तो ये सब चीजें हैं, मतलब क्या है कि इफ ज्योग्राफी इज लाइक दैट, आपके एरिया में ज्योग्राफी ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है पॉपुलेशन, इफ यू माइट बी नोइंग, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन अगर कम है तो आपको फुट ओवर ब्रिज उतना नहीं बनाना चाहिए, जरूरत नहीं है, है ना। हाँ, एक्सीडेंट प्रोन एरिया पे श्योरली आपको एफर्ट डालना चाहिए, तो दैट्स द थिंग। तो ज्योग्राफी आपका मैंने बताया, पॉलिटी में भी आपको लेके आ गया, इकोनॉमिक्स में बता दिया, एनवायरनमेंट में बता दिया, तो एवरीवेयर देयर इज ज्योग्राफी। तो इतना जब मैंने उसकी बड़ाई कर दी है तो थोड़ा सा आगे देख लो, ये जो बीच का जो स्टोन है ये क्या समुद्र मंथन के लिए यूज हुआ था, बीच का क्या है ये और ये क्यों बनाया ऐसा? ये पिक्चर विजिबल है मेरे पीछे का, यस सर। हाँ, तो इसका ये ऐसा क्यों हो गया सर? मे बी वेदरिंग की वजह से। वेरी गुड, मे बी, यस यस, इट इज बिकॉज ऑफ वेदरिंग, इट इज बिकॉज ऑफ वेदरिंग, यस। जो ये बोलना चाह रहे थे उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हिल है वो ना कभी इस तरीके से कनेक्टेड रहा होगा कभी, तो उसके दोस्त यार रहे होंगे साथ में। अब ओशन जो है, ओशन का जो टाइड्स आते हैं वो लगातार हिट करते रहते हैं, और हिट करने के कारण से क्या होता है, ये किसी पोर्शन को, बड़े से पोर्शन को क्या किए होंगे, तोड़ दिए होंगे, और ये बीच का पोर्शन जाके नीचे फॉल कर गया होगा। जैसे ये गिरा हुआ है दिख रहा है, है ना, वैसे बीच का पोर्शन फॉल कर गया होगा, तो बेचारा ये कुंभ के मेले में बिछड़ गया। सेम चीज इधर भी होगा, इसके साथ कनेक्टेड रहा होगा, बीच वाला पोर्शन जाके डूब गया, तो ये डिसकनेक्टेड पार्ट ऑफ लैंड दिख रहा है एकदम। बट क्या है कि ये कभी कनेक्टेड था, इससे क्या क्या इन्फ्लुएंसेस लगा सकते हो? नॉर्मली ज्योग्राफी आपको रिजल्ट देता है, उसके पास्ट एंड फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना आपके ऊपर होता है, है ना। तो जैसे क्या है, इसके पास्ट में क्या रहा होगा मैंने बता दिया, ये ऐसा हिल रहा होगा। एक चीज और आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इस बीच में जो रहा होगा वो सॉफ्ट रॉक रहा होगा, सॉफ्ट रॉक, नरम रहा होगा, पत्थर जो है ना, चट्टान जो है, दैट विल बी योर सॉफ्ट, वो काफी सॉफ्ट रहा होगा, जिससे कि वो कैपेबल नहीं था कि ओशन के टाइड्स के लिए उसको फेस कर सके। और ये जो बच गया ना, ये हार्ड है, जो बचा है वो हार्ड है, जो नहीं बचा वो सॉफ्ट है। तो ये एक और इन्फ्लुएंसेस लगा सकते हो कि भाई अगर कोई ऐसा रिजल्ट दिख रहा है, मतलब ये मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक होगा। और भी इन्फ्लुएंसेस लगा सकते हो कि फ्यूचर में देखो ये नैरो हो चुका है, मतलब ये भी खत्म होने वाला है, ज्यादा इसका आयु नहीं है इसकी, है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये जो पिक्चर है या ये जो
बोलना चाहिए कि जो क्या बोलना चाहिए, जो भी आप देख रहे हो उसके पीछे का थॉट डेवलप करना कि कैसे बना होगा या फ्यूचर में क्या हो सकता है, वही ज्योग्राफी का एक रियल पॉइंट है। रियल पॉइंट क्यों पता, क्योंकि देखो आप जब यूपीएससी या स्टेट पीएससी से बीएसपीएसपी बनोगे, आईएएस वगैरह बनोगे, तो आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि इस जगह पे कितना रेनफॉल होगा, उस जगह पे कितना फ्लड आएगा, उस जगह पे बारिश अगर सफिशिएंट होगी कि नहीं एग्रीकल्चर के लिए। अगर एग्रीकल्चर के लिए रेनफॉल अच्छा नहीं है तो कैनाल में वाटर मुझे लाना पड़ेगा, नहरों में पानी रखना पड़ेगा, ये सारा अरेंजमेंट आपको प्रायर टू मानसून करना पड़ता है। फिर आप ये जानते हो कि मानसून के सीजन में बहुत सारे रोड्स खराब हो जाते हैं, तो उसको पहले से ही आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर ऐसे बहुत सारे टावर्स हैं जिसका लूज वायर जाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को वैसे को कवर करना होगा। ये सारे टास्क जो आप प्री थॉट लेके चलते हो कि फ्यूचर में ये हो सकता है, वही तो आपका मैनेजमेंट है ना। एक मैनेजमेंट में यही चीज होता है, या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर में ये डिफरेंस होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सारे एंगल पे बात करता है, सारे एंगल को सोचता है। जैसे आप देखो कि आईएएस और आईपीएस में यही तो डिफरेंस है, आईपीएस को लॉ एंड ऑर्डर को बस देखना है, शांति व्यवस्था को सही रखना है, बट आईएएस को लॉ एंड ऑर्डर तो देखना है, इकोनॉमी भी देखना है, उसको एनवायरमेंट भी देखना है, उसको सारा चीज देखना है, फिर मोदी जी का रैली आता है उसको भी कवर करना है, तो वो सारा चीज करते जाना है। तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको ज्यादा फोरकास्टिंग लेके चलना पड़ता है। अब ज्योग्राफी पढ़े रहोगे तब तो ये समझ पाओगे, हिस्ट्री पढ़े रहोगे तभी तो समझोगे कि पास्ट में हुआ क्या चीजें हैं। जैसे यू माइट हैव लिसन टू इट, मींस यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कि वेस्ट बंगाल हैज एक्सपीरियंस्ड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फेमिन एट ट्वाइस, है ना। लास्ट कुछ जब ब्रिटिशर्स के टाइम में वेस्ट बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, वर्स्ट फॉर्म मतलब 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन था वेस्ट बंगाल का वो वाइप आउट हो गया था, मर गए थे। सोचो क्या है कि हंगर के कारण से मर जाना ह्यूमैनिटी की ब्लॉट है ना, अभी भी ब्लॉट है। तो ये हुआ था पास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि मिसमैनेजमेंट कैन लीड टू डिजास्टर, है ना। एक हजार्ड जो होता है वो हजार्ड में ही रहता है अगर आप उसको मैनेज कर दिए, पर अगर मिसमैनेज कर दिए तो डिजास्टर बन सकता है। जैसे क्या है, एक जगह पे छोटे से आग लगी, प्रॉपर सही टाइम पे आपने पानी बुझा दिया तो पूरे बस्ती जलने से बच गए, पर अगर आपने सही टाइम पे नहीं बुझाया तो वो सब जगह जल गया। तो एक हजार छोटा सा कैन टर्न इनटू डिजास्टर इफ यू हैव द वल्नरेबिलिटी, यू हैव द पुअर मैनेजमेंट। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो वेस्ट बंगाल में फेमिन आने का मेन रीजन ये नहीं था कि रेनफॉल कम हुआ, उसका मेन रीजन था कि रेनफॉल जब कम हुआ तो मिसमैनेज किए इन लोगों ने, है ना। प्रॉपरली राइस का या डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म नहीं बनाया, जिसके लिए कहीं जिसके कारण से कई लोग मर गए। तो इसका मतलब ये है, ये जो जॉब है आपको इस लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर क्या है, जैसे अगर मैं एक किलर हूं, मैं एक चाकू से अपने लाइफ टाइम में 50-60 लोग को मार दिया बाय द वे, बट एक आईएएस एक साल पे सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, हजार लोग मर गए। हो सकता है डैम को उसने सही ढंग से नहीं परखा तो डैम में फ्लड आ गया, या डैम का वॉल टूट गया, और ना फ्लड आ जाने के कारण से क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव बह गया, जिसके कई लोगों की फैमिली मर गई, कितना सारा चीज हुआ, है ना। अब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, दैट पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल। उस पर्सन ने ज्योग्राफी अच्छा से नहीं पढ़ा था, या पढ़ा था तो चीटिंग करके गया था। तो इसका मतलब यही है, इसलिए ये सब चीजों को पढ़ना जरूरी है, और ये सब होने के बाद आपको एथिक्स होना जरूरी है, है ना, एथिकली साउंड होना जरूरी है, कि एक एम्पैथी होना चाहिए ना भाई, कि उनको जो तकलीफ हो रही है वो चीज मुझे भी फील हो। गांधी जी ने बोला था ना, कि गांधी जी के तलिस्मा में ये था कि अगर आपकी योजना, आपका जो स्कीम है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन के पास नहीं जा रही है, इसका मतलब आपके में कहीं ना कहीं फ्लॉ है, है ना। आपका काम है एग्जीक्यूशन का, आप पॉलिसी बनाते तो हो, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, और पॉलिसी को गार्ड करना पॉलिसी का काम है। पुलिस का काम है पॉलिसी को गार्ड करना, पॉलिसी की रक्षा करना, योजनाओं की रक्षा करना, वो है पुलिस का काम, और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना आईएएस का काम है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों ये सब्जेक्ट्स पढ़ने का पर्पस ही है। वैसे तो स्कूल में भी पढ़ाया गया था ये सारे सब्जेक्ट्स को, बट अभी क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि उस समय आप रटने के हिसाब से 12th में अच्छे मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़े थे, बट अब आपको रिक्वायर्ड है आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने, आपके डिसीजन को अच्छा करना, क्योंकि आपका डिसीजन
रॉन्ग डिसीजन कैन लीड टू थाउजेंड्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ लाइफ भी हो सकता है, लाइवलीहुड भी हो सकता है। वैसे लाइफ से ज्यादा बड़ा है लाइवलीहुड, क्योंकि लाइवलीहुड खत्म हो जाता है ना तो पूरा फैमिली खत्म हो जाता है ना, लाइवलीहुड खत्म हो जाता है तो पूरा फैमिली खत्म हो जाता है और अगले का जनरेशन भी खराब हो जाता है। इसलिए लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने लाइफ बचाने पे फोकस किया, बट अगले वेव में हम लोग लाइवलीहुड भी बचाने की कोशिश किया, क्योंकि भाई दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोग का, है ना। आप जानते होंगे कि कोविड में डायरेक्ट डेथ से ज्यादा इनडायरेक्ट डेथ ज्यादा हुई, इनडायरेक्ट मतलब कोविड रिलेटेड डेथ, कि किसी को हॉस्पिटल नहीं मिल पाया। अब जैसे कोविड के कारण से सारे बेड बिजी है, सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का हार्ट कमजोर है या तो किसी का हार्ट में ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लॉकेज था, वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए टाइम पे नहीं गया क्योंकि भाई कोविड के सारे मरीज होंगे, वो नहीं गया इलाज के लिए तो उसके कारण से उसकी डेथ हो गई। या तो किसी को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल खोजने के लिए गया, कहीं पे बेड खाली नहीं, तब तक मर गया। या तो ऐसा भी हुआ कि किसी का शॉप खत्म हो गया, किसी का एग्रीकल्चर खत्म हो गया, जिसके कारण से सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे चीजें हुई जो कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। उस समय भी आप जान रहे होंगे कि जब डिजास्टर आता है तो आईएएस का रोल और बढ़ जाता है ना, उस समय आपकी जिम्मेदारी है ना। यू शुड नॉट बी टेकिंग बुलेट ऑन द चेस्ट, बट यू शुड बी हैविंग करेज टू टेक, यू शुड बी हैविंग करेज टू टेक बुलेट ऑन द चेस्ट। करेज होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आपको फील्ड पे उतर के एकदम दबंग जैसे खड़े हो जाना है, नो आपका काम है मैनेजमेंट का, समझो ना। तो ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि कौन कौन से ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे पढ़ना होगा। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ो। क्लास 11th का एनसीईआरटी की बुक, जीओआईएस के वेबसाइट में ये बुक है, या तो ऐप में भी है, या तो एनसीईआरटी के साइट में भी जाके देख सकते हो। दो बुक्स होती हैं, एक तो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दो बुक है जो कि बाइबल है इसकी ज्योग्राफी की, है ना। ये दो बुक आपको पढ़नी है। दिस टू बुक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये आपको पूरे ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल नॉलेज देगा, और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में बताएगा। जैसे ज्योग्राफी का दो पार्ट होता है, एक तो है इंडियन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड विश्व भूगोल एंड भारत का भूगोल, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट होते हैं, तो ये दोनों पार्ट के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स करने हैं। फिर तीसरा एक और पार्ट होता है, जैसे है ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे वर्ल्ड का हुआ और इंडिया का हुआ, ठीक है ना, वर्ल्ड एंड इंडिया। अब वर्ल्ड में दो पार्ट होता है, भौतिक फिजिकल एंड दूसरा है ह्यूमन, है ना। वैसे इंडियन ज्योग्राफी का भी फिजिकल एंड ह्यूमन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए क्लास 12th, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए क्लास 12th आपको करना है, क्लास 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक। कहां से डाउनलोड करना है, सिंपली एनसीईआरटी बुक्स टाइप करना। चलो मैं शो कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो एनसीईआरटी बुक करके ऐसे टाइप करना, तो आपको पहले लाइन पे क्या दिख रहा है, ये टेक्स्ट बुक पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जाना क्लास 11th, इसमें जाना ज्योग्राफी, फिर इसमें जाना हिंदी है तो भौतिक भूगोल का सिद्धांत, नहीं तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिर गो। गो करोगे यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट बुक है, ये पूरी बुक्स आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वैसे स्टेट की, वेस्ट बंगाल की भी बुक ऐसे ही होती है, फ्री में मिल जाती है। गवर्नमेंट का मैंडेटरी है कि ये सब बुक्स फ्री होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी बुक्स को कॉलेज स्ट्रीट में जाके खरीद भी सकते हो, बट मेक श्योर नई बुक खरीदना,
उन्हें तो रस्ते में लोग बहुत सारा ओल्ड बुक वगैरह देते हैं और ज्यादा प्राइस पे देते हैं, उससे अच्छा आप नई बुक खरीदना, ओरिजिनल प्राइस पे मिलेगी, है ना, नेशनल वगैरह पे मिल जाती है, तो ये कर सकते हैं। आपके एरिया में एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती है नॉर्मली, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तो एनसीईआरटी के सीधा, अभी बुक फेयर लगा है क्या, लग गया, खत्म हो गया बुक फेयर कलकत्ता में, खत्म हो गया कि लगा है अभी, लगने वाला है कुछ ऐसे सर, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया ना, तो बुक फेयर में भी ना एनसीईआरटी का स्टॉल होता है, वहां से भी खरीदा जा सकता था, ठीक है ना। तो खैर, तो और वैसे ही क्या है एस्प्लेनेट में ना, वहां पे एक पब्लिक डिवीजन का ये है, पब्लिक डिवीजन जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिशर है, वहां पे आपको ना नाटमो का एटलस मिल जाएगा, नाटमो का एटलस जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल एटलस है ना, तो वहां से आप उठा सकते हैं। इवन वेस्ट बंगाल का भी ऑफिशियल एटलस वहां पे मिल जाएगा। कहां पे जाओगे ना, जैसे आप क्या बोलना चाहिए, रास्ता है वो ट्राम वाला रूट में जाओगे ना, तो लेफ्ट साइड में पड़ता है वो, उसका लिकर शॉप है उसी के आसपास पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पे, वहां से अपना ये ऑफिशियल ये सब बुक्स खरीद सकते हो और एक्चुअल प्राइस पे मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये दो जगह पे ये बुक्स खरीद लेना या तो डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं है, है ना। पर देखो, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपके आईज पे प्रेशर पड़ेगा, आपको लंबा चलना है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि आप प्रिंटेड फॉर्म पे पढ़ाओ। हाँ, बट अगर बहुत सारी बुक्स है तो क्या है, कुछ मेन बुक को बस आपको प्रिंटेड फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखोगे ना तो आपको वो बुक का पेज वो याद आता है ना, वो पेज याद आएगा, आपने भले पेंसिल से लिखा होगा, रेड से लिखा होगा, खराब लिखा हो, जैसा भी लिखा, वही चीज वो बुक का वो पेज याद आता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स यू टू रिटेन द थिंग्स, ठीक है, रिवाइज करना भी आसान हो जाता है। देखो, बुक्स के लिए कभी कंजूस साइन मत करना, हाँ, पर इट डजंट मीन कि बहुत सारी बुक्स खरीदी, ओनली लिमिटेड बुक्स, है ना। व्हाट नॉट टू रीड इज द मेन थिंग हियर, है ना, क्या नहीं पढ़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग, रादर देन रीडिंग मल्टीपल बुक्स सिंगल टाइम, रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स, है ना, ये फैक्टर होना चाहिए। एक ही बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो, रादर देन मल्टीपल बुक्स को एक बार पढ़ो, ठीक है। श्योरली कुछ बुक्स में थोड़ा सा बेटर होगा, कुछ बुक्स में थोड़ा सा खराब होगा। आप जो बुक पकड़े हो उसमें अगर आपको 80% चीजें मिल रही हैं बाय द वे, और उस 80% चीजों को भी सही कैप्चर कर लिए, तो आप तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, तो इतना क्या पेन लेना, है ना। हो सकता है किसी में अच्छी दिया होगा, परफेक्शन पे हमेशा नहीं जाना चाहिए। जब भी ग्रोथ एंड परफेक्शन के बीच में ट्रेड ऑफ होना, तो ऑलवेज चूज ग्रोथ, क्योंकि अभी एट दिस स्टेज ग्रोथ पे फोकस करो, परफेक्शन पे बाद में करना। जैसे क्या है, पढ़ने का तीन तरीका होता है, पढ़ने का तीन वेज होता है। पहला चीज की ना, जब से पढ़ना चालू किया उसका नोट्स बनाते चले, उसको पूरे डिटेल में पढ़ते गए, और ऐसे एक एक चैप्टर को पढ़ने में एक हफ्ता लग गया, पर आप परफेक्शन के साथ पढ़े, है ना। दूसरा तरीका ये होता है, पहले एक बार रीडिंग मार लिया, है ना, कि क्या क्या है इस बुक में। रीडिंग मार के आपको ना एक ओवरव्यू हो गया, इसके बाद जब टीचर ने पढ़ाया वो चैप्टर को, उसके बाद उस चैप्टर को फिर से आपने पढ़ा, दोबारा पढ़ा, अब उस समय आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ, बट उस समय भी नोट्स नहीं बनाया, कुछ लोग उसी समय भी नोट्स बनाते हैं। तीसरा रीडिंग के समय मैंने फिर से जब मैं उसको रिवाइज करना चाहूंगा, तब मैंने नोट्स बनाया, क्योंकि नोट्स हमेशा से 10% ऑफ द ओरिजिनल बुक होता है, जितना भी बुक है उसका 10% ओरिजिनल होता है। आप क्या करते हो, नोट्स बनाने के चक्कर में पूरा बुक उतार देते हो बहुत अच्छे हैंडराइटिंग से, और नोट्स में वेस्ट नहीं करना टाइम। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, पर इट डजंट मीन कि सजावट बनाते हुए करता, नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स बनाना है, बट पहले रीडिंग में नोट्स मत बनाओ, पहले रीडिंग में सिंपली ग्रास्प करने का तरीका करो। तीसरा तरीका ये होता है कि जिसमें अपन नोट्स बनाते ही नहीं, है ना, कई लोगों की आदत होती है नोट्स ही नहीं बनाते, तो क्या है उसके लिए भी ठीक है, अंडरलाइन करो, है ना, अंडरलाइन करो। पर नोट्स बनाने से एक बेनिफिट होता है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, कंसंट्रेशन का लेवल ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ लिख रहे हो, तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विल बी मोर, ठीक है ना। और जब भी इवन ऑनलाइन भी क्लास करो ना, तो ऐसे लेट के क्लास मत करो, बैठ के प्रॉपर उसको टेबल एंड चेयर में बैठो, मोबाइल को एक जगह रखो, उसके लिए स्टैंड खरीद लो, 100-200 का आ जाएगा, उसमें वहां पे रख के आराम से आपके आई साइट के पैरेलल में आप उसको देखो, क्योंकि ऐसे करोगे ना तो क्या है, आपका ये जो नेक है पेन करने लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वेट क्या होता है, हेड का होता है, इसलिए तैरते वक्त आपको उसको ऊपर रखना होता है, तो क्या है ज्यादा आपको बेंड नहीं करना है, ऐसे आई साइड पे आपको रखना है,
भी पढ़ते हो, इवन बुक्स वगैरह भी अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो थोड़ा सा उसको टिल्टेड रखो बुक्स को, ताकि आपके हेड पे कम प्रेशर पड़े, ठीक है ना। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, पहले रीड समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, रीड समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, कुछ ना कुछ सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फिर रीड एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, कुछ पोर्शन से बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर रीड एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, फिर सारे से सारा चीज पढ़ो, ये तीन स्टेज होता है। सर से अगेन अबाउट द बुक सिस्टम प्लीज। हाँ मतलब अच्छा रीडिंग का टेक्निक ना। नो सर, एनसीईआरटी क्लास 12-11 से। हाँ हाँ, क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लास 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, और क्लास 12 का ह्यूमन ज्योग्राफी। हाँ, अब जैसे आप लोग का बंगाली, कुछ लोग का बंगाली मीडियम होगा, देयर इज नो इशू, है ना, जिनका इंग्लिश मीडियम है देयर इज नो इशू, हिंदी मीडियम है देयर इज नो इशू, ट्रस्ट मी देयर इज एक्चुअल में देयर इज नो इशू, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, है ना। आपका जो मेंटल ब्लॉक है ना वो बैरियर क्रिएट करता है कि ये चीजें मुझे नहीं आएगी करके, है ना। तो ट्रस्ट मी, अपने लैंग्वेज से पढ़े हो तो कोई इशू नहीं है, इंडिया के सारे लोग अपने ही लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना, कोई इंग्लिश में पैदा हो, इंग्लिश में पढ़ते हुए पैदा नहीं हुआ था, बट इंग्लिश को दूसरा लैंग्वेज उसने ऑप्ट कर लिया क्योंकि उसको दूसरे का बच्चा नहीं समझना है, उसको अपना बच्चा समझना है इंग्लिश को भी। और नॉट ओनली इंग्लिश, जो जो लैंग्वेज आपके यूज किया है, जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का लैंग्वेज जान जाओ, है ना। तो ज्यादा लैंग्वेज जानने से आपका ग्रे मैटर स्ट्रांग होता है, जो कि बाकी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में इजी करता है, स्विच करता है आपका माइंड, इट इज गुड, ठीक है। तो लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या है, बंगाली से मैं पढ़ाऊँ सर, मैं हिंदी से पढ़ाऊँ, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो वहीं से जहां से छोड़े थे। मतलब क्या है, बंगाली मतलब बंगाली बोर्ड की बुक से जो पढ़े थे वही बुक से पढ़ना चालू करो, ज्योग्राफी चेंज नहीं हो जाएगा, बस एनसीईआरटी में थोड़ा सा बेटर लिखा है, उस पर थोड़ा सा कम लिखा है। मैंने बोला ना, वो परफेक्शन पे फोकस ज्यादा मत करो, ग्रोथ पे फोकस करो, पहले जानो चीजों को, अपने लैंग्वेज में जानो, इसके बाद लैंग्वेज को चेंज करो, गेटिंग इट। तो इसलिए क्या है, कुछ लोगों को इवन इंग्लिश मीडियम के होने के बाद भी हिंदी ज्यादा अच्छा समझ आता है, या इंग्लिश वाले होने के बाद भी बंगाली अच्छे समझ आता है, क्योंकि आप तो भाई बेसिकली फॉरेनर तो हो नहीं ना, इंडियन ही हो। तो इसलिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ो। दैट्स इन द सेम मैनर न्यूज़पेपर भी जो होता है ना, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते आए हो उसमें से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं किसी फोटो वोटो देख लिया, हाँ बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड सब में ये सब हुआ, वही सब देख के मजा आ गया, चलो हो गया, वो नहीं। अब भाई मोदी जी को भी देख लो, पुतिन को भी देख लो, सबको देख लो, सबके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, भले चेहरा अच्छा नहीं है पर पढ़ने में थोड़ा सा आपको बाद में हेल्प करेगा ना, बाद में चेहरा अच्छा मिल जाएगा आपको ये सब पढ़ोगे तो क्या है, ये सारा क्या है, आपको न्यूज़पेपर में थोड़ा सा टाइम देना है, और न्यूज़पेपर में ऐसा टाइम नहीं देना है कि पूरा खत्म करके ही मैं दम लूंगा, तब तक मैं इवन पॉटी भी नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। न्यूज़पेपर का ऐसा है कि दो चार आर्टिकल पढ़ो, रिलैक्स हो जाओ, चाय वाय पियो, फिर से खाना वाना खाने के बाद फिर से थोड़ा सा न्यूज़पेपर उठाओ, फिर पढ़ो, फिर इसके बाद, मतलब ऐसा है, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, है ना। कोई भी चीज बिना एंजॉय किए करोगे ना कोई मतलब नहीं होगा। क्या है, डरना नहीं है एग्जाम से। क्या है, अगर द पर्सन हु इज एक्चुअली बोलना चाहिए कि हु इज हु फियर्स फ्रॉम सफरिंग, जिसको सफर से फियर होता है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फियर। अच्छे से समझना, है ना। द पर्सन हु इज फियरिंग फ्रॉम सफरिंग, पीड़ा से जिसको डर लगता है, दैट पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फियर। वो डर से पीड़ित है। डरना नहीं यार, क्या होगा, पास होगा नहीं होगा, फांसी पे थोड़ी लटका देंगे। हाँ, बट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई बेटरमेंट, मैं अपने लाइफ के लिए कुछ बेटर करूंगा, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं रहूंगा, है ना, एकदम देवदास जैसा तो नहीं रहूंगा, अभी रहूंगा तो थोड़ा सा बेटर होगा, कल का दिन मेरे से बेटर होगा, है ना। एंड आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, दैट इज सफिशियंट फॉर माई हैप्पीनेस। मैंने अपने लेवल के अच्छा किया, वो सफिशियंट है। 2 साल अपने आप को टाइम दो, उससे ज्यादा मत दो, क्योंकि लाइफ में अदर चीजें भी हैं करने के लिए। तो ये 2 साल ऐसा नहीं हो कि इस 2 साल में अदर चीजें कर रहे हो, इस 2 साल में वही चीज करो जो चीज रिक्वायर्ड है, और उसके बाद बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, ठीक है ना। तो यस, आपके एज में ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, डिस्ट्रैक्शन को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो।
that will help you. उसको भी पढ़ा दो एग्जाम, उसको भी तैयारी करा दो. दोनों में से किसी का भी होगा तब तक तो भला ही हो गया ना. तो क्या है इसलिए क्या है, रिलैक्स करके चलो. पहले दिन ज्यादा नहीं पढ़ना, धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना. बट मेक श्योर अगले दिन लास्ट डे से आपका अगले दिन प्रोग्रेस है. ड्रीम या टेंशन हमेशा से आपको एक्चुअल रियलिटी का मैग्निफाइड रूप दिखाता है, एक्चुअल रियलिटी का मैग्निफाइड रूप, ताकि आप सीरियस हो. जैसे एग्जाम का फियर जितना होता है उतना एग्जाम देते वक्त नहीं लगता, वो स्टार्टिंग का ही फियर रहता है. तो वो इसलिए रहता है क्योंकि आप उससे डरो, आप सीरियस रहो, है ना. बट क्या है, ज्यादा डर जाने से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती. ऐसे ना डरना नहीं है, बस ये है कि अपने लेवल का बेस्ट करना है. डेस्टिनेशन पे ज्यादा, डेस्टिनेशन पे जाके एंजॉय करने से अच्छा सफर में एंजॉय करो, है ना. सफर में एंजॉय कर लोगे, डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल होगा. ठीक है, तो विद दिस वर्ड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. सर सर यूपीएससी क्लियर करने के लिए लैंग्वेज कोई इशू है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इशू नहीं है. टेल मी अबाउट समथिंग, हाउ टू इंप्रूव माय लैंग्वेज. हाँ, इंप्रूव करना है आपको इंग्लिश को, क्योंकि क्या है आपको डील करना है बहुत लोगों से. अगर आप आईएफएस बनते हो तो आपको बहुत लोगों से डील करना है. नॉट ओनली दिस, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही है उसको समझने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है. So that is important. How can you improve your language? Simple चीज़ है. जितना अपन सुनते हैं, जितना अपन देखते हैं, जितना अपन बोलते हैं, उतने ज़्यादा improve होता है, है ना? तो कैसे improve करना है? ऐसे नहीं कि first day में improve हो जाएगा. Simple ये है, जैसे newspaper लाओ, एक बंगाली, अगर एक बंगाली आपका है या हिंदी जो भी आपका है ना, तो वो newspaper पढ़ो, उसी newspaper को English में भी पढ़ो. हाँ, क्या है कि जैसे मैंने बंगाली न्यूज़पेपर पढ़ा या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, अब वही चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो मैं तो जो चीजें इवेंट्स हुई है वो मैं ऑलरेडी जान रहा हूँ यहाँ पे, और वही चीज को मैं रिवाइज कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो मुझे नए वर्ड्स भी मिलते जा रहे हैं. देखना ऑटोमेटिकली अगर आप ये काम कर रहे हो 6 मंथ्स में, आपको इंग्लिश के बहुत सारे वोकैबुलरीज आ जाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, डीडी न्यूज का इंग्लिश का जो न्यूज चैनल है और हिंदी का, दोनों सुनो. क्योंकि देखो जब क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी में आते हैं, है ना. बट यू हैव द ऑप्शन टू राइट द आंसर्स इन बंगाली, आपके पास ऑप्शन है. पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में आते हैं. यार वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का साथ ऐसा इशू नहीं है, बट अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी में आएंगे. तो इसलिए क्या है, आप डीडी न्यूज जब सुनते हो या संसद टीवी सुनते हो, यही दो चैनल सबसे अच्छे हैं, तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आता है, बहुत टाइप के चीजें माइंड में आती हैं, और इससे क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होने लगता है. धीरे धीरे करके आपको ना उसके इंग्लिश टर्म्स याद आने लगेंगे, और ट्रस्ट में विद इन 6 मंथ्स आप अपन यही पे मिलेंगे, और फिर 6 मंथ्स में फिर यही बात करेंगे. आप देखना कि आपके पास बहुत सारे वोकैबुलरीज आ जाएंगे, कैसे यूज करना आ जाएगा, सारा चीज हो जाएगा. अब उसके बाद स्पीकिंग वाला जो लास्ट पोर्शन रह जाता है वो एनवायरनमेंट से आता है, माहौल से आता है. माहौल से आता है मतलब बस प्रैक्टिस की बात है ना, प्रैक्टिस की बात है. आसपास में आपके दो चार लोग, मैं बता ना, टीम बना लो, है ना, और ट्राई करो उसमें बात करने का, है ना. हम लोग हमेशा से अपना कंफर्ट जोन खोज लेते हैं, है ना, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी में बात करने की कोशिश करते हैं. तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे निकलो, यही है. ठीक है सर, अनदर क्वेश्चन. सर यूपीएससी क्लियर करने के लिए बैकग्राउंड को ये इशू है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स एटसेट्रा. मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ. देखो जो इंजीनियर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड साइंस या इंजीनियरिंग का होता है, पर मोर देन 50% जो सिलेक्ट होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं. तो इट डजेंट मैटर, है ना, इट डजेंट मैटर. हाँ, इट हेल्प्स यू समटाइम्स, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो इट विल हेल्प यू, बट इट डजेंट मीन कि आपका क्या होता है ना, जब मेंटल मैच्योरिटी आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट को उससे ज्यादा बेटर कर पाते हो. कई कई देखना, कई कई लोग मैथ्स लेने के बाद सीए की तैयारी करने लग जाते हैं, और लोग हो सकता है उसमें ज्यादा बेटर कर लेते हैं. तो क्या होता है कि आप किसी सब्जेक्ट को बल्कि ना इंटरेस्ट के साथ देखने लगते हो, क्योंकि अब अभी तक बोर हो गए थे वही सब्जेक्ट पढ़ के, मैथ्स पढ़ पढ़ के बोर हो गया, चलो आर्ट्स पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाया जाए, तो उसको अलग तरीके से देखा जाए.
तो देयर इज नो इशू, बैकग्राउंड आपका है नहीं है कोई इशू नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, मैं IIT खड़गपुर का पास आउट हूँ, पर मैंने साइकोलॉजी लिया था, आई लाइक साइकोलॉजी, अब मैं बहुत मन से पढ़ता था, मजा आता था, सो आई वॉज डूइंग गुड इन साइकोलॉजी। एट अवर टाइम हमारे पास दो ऑप्शन होने का था, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी आई हैड टेकन। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, ट्रस्ट मी। सर ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं UPSC प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँ ये सर? बेस्ट है, बेस्ट है। देखो कॉलेज में दो ही चीज होता है, एक मिड टर्म होता है, एक एंड टर्म होता है ना। उसमें दो महीने टाइम वेस्ट होगा, चार महीने आपके पास है ना। और ऐसे अगर आपके पास कितने सेमेस्टर हुए, तो कितने सेमेस्टर का है तनवीर आपका? सर 8 सेमेस्टर, 4 ईयर। हाँ 8 सेमेस्टर का है, तो 32 मंथ्स मिल गया आपको। 32 मंथ्स तो पढ़ाई करने के लिए है। देखो कॉलेज में आदमी इतना प्रो हो जाता है ना कि एक महीने पढ़ के पूरा एग्जाम दे दे, और इतना प्रो हो जाता है कि एक हफ्ते पढ़ के 70% ऊपर ले आए। तो आप भी उतना प्रो हो जाओ कॉलेज में, सब लोग के पास दिन भर उन लोग घूमते रहेंगे कॉलेज में, और वही पढ़ने वाले लोग ना लास्ट के एक महीने पढ़ के ना वो टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट के 1 मंथ टाइम कम रहता है, उस समय ज्यादा अच्छा कर लोगे। बस बाकी समय 6 मंथ्स में से 2 मंथ्स को छोड़ के 4 मंथ्स दो एग्जाम को। ओके सर। सर आई एम परसुइंग इन इंग्लिश ऑनर्स, सो बेनिफिट क्या है इसमें? दैट विल बेनिफिट यू इन राइटिंग द आंसर्स, बहुत अच्छा आंसर लिखने में आपको हेल्प करेगा, ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा, सी सेट के इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ एकाश सर, मैं ये पूछ रहा था कि यूपीएससी में एडिशनल लेने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं मैं? 5 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है इंटरेस्ट, दूसरा क्राइटेरिया है एजुकेशनल बैकग्राउंड, तीसरा है सक्सेस रेशियो, चौथा है जीएस के साथ ओवरलैपिंग, पांचवा है एजुकेशनल बैकग्राउंड, पांचवा है गाइडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडिंग मटेरियल। ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ऑप्शनल वही लेना। पहला चीज है इंटरेस्ट, सेकंड है उसके साथ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच करता है, बाय द वे आपने पॉलिटिकल साइंस पे ऑनर्स वगैरह किया है तो इट विल हेल्प यू। थर्ड जीएस के साथ ओवरलैपिंग, मतलब पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 में से किसी के साथ ओवरलैपिंग है तो आपका मेहनत बच जाती है। चौथा जो होता है सक्सेस रेशियो, कुछ कुछ ऑप्शन के सक्सेस रेशियो अच्छे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी इसके सक्सेस रेशियो अच्छे होते हैं। पांचवा जो है उसका कोई टीचर अच्छा मिले, उसके जो गाइडिंग मटेरियल है उसके स्टडी मटेरियल है वो अच्छा मिले, तो पॉपुलर ऑप्शन के स्टडी मटेरियल अच्छा मिल जाता है। ये 5 क्राइटेरिया। थैंक यू सर। ओके तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, सबको पसंद आया होगा और कुछ सर एक डाउट है मेरे को। हाँ बोलो बोलो। क्या है सर ये डेमो क्लास था ना, तो क्या है ये मतलब जितना मेरे को लगा दिस इज फॉर वेस्ट बंगाल PSC राइट? नहीं नहीं नहीं, नॉट व्हेन यू वर, हां व्हेन यू वर फोकसिंग, जैसे आप रेफरेंस जब दे रहे थे तो बंगालीज एंड वेस्ट बंगाल PSC का दे रहे थे। सर मेरा स्टेट अलग है तो ये मतलब ऐसा तो नहीं है ना कुछ ओवरलैपिंग कर रहा है। अच्छा ओके 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 ओके। नहीं मैं, मुझे ये फील हो रहा था कि आप लोग वेस्ट बंगाल से मोस्टली हो, जिससे मैं वेस्ट बंगाल का एग्जाम दे रहा था। अदरवाइज मैं अभी तो खुद छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, तो क्या है कि जिस जगह से हो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझोगे करके मैंने उस हिसाब से एग्जांपल दिया था। छत्तीसगढ़ से हूँ सर, अंबिकापुर से। अंबिकापुर से, ओके ओके फाइन। क्या है कि आज मेनली वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स ज्यादा है, वहाँ के ब्रांच वाले, तो वहाँ पे मैं मिली, तो इसलिए आप भी आए होंगे तो आपका भी थोड़ा समझ तो आया होगा वैसे। हाँ नहीं सर आया हूँ, बस वो रेफरेंस की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ हाँ नहीं नहीं कोई इशू नहीं, आप ना यहाँ पे क्लास करते ना छत्तीसगढ़ में, तो आपको छत्तीसगढ़ का फ्लेवर दिया रहता मैं आपको। नहीं सर वो क्या डेमो के लिए मेरे पास यही लिंक आई ना, तो मैं इसलिए। हाँ 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 कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज ना यहाँ पे वेस्ट बंगाल एंड UPSC का एक डेमो था, तो इसमें हो सकता है आपने भी इंटरेस्ट शो किया होगा तो आपको भी लिंक दिया होगा जी सर। और किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है ना, डू योर बेस्ट, जहां पे रहो यहाँ पे रहो मेरे साथ रहो मेरे साथ अलग रहो कोई इशू नहीं है, बस अपना बेस्ट करो, अपने एफर्ट पे फोकस करो, अपने हार्ड वर्क पे फोकस करो। हार्ड वर्क किंग पर्सन कैन बीट द टैलेंटेड पर्सन इफ टैलेंटेड पर्सन इज नॉट वर्किंग हार्ड, है ना। हार्ड वर्किंग पर्सन की जीत होती है, और ये UPSC एग्जामिनेशन या स्टेट PSC में विड्थ को ज्यादा कवर करना है अदर देन डेप्थ को,
तो विड्थ को ज्यादा कवर करना है, मतलब आपको ज्यादा टाइम देना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है, नियमितता रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है ना। एक दिन में वेट कम करने के लिए 100 किलोमीटर दौड़ गए, अगले दिन बुखार में पड़े रहे, वैसा नहीं होना है ना। आपको हर रोज दौड़ना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और वो हर रोज दौड़ोगे तभी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, ठीक है ना। तो यही है, तो ऑल द विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू।